أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم قوينا في الدين، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ठीक है, सूरह नहल आयत नंबर 62. इससे पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था, 61 में, कि अगर अल्लाह सुबहान तआला तुम्हें तुम्हारे जुल्मों के सबब पकड़ना शुरू कर देता तो क्या होता, रुए जमीन पर कोई बचता ही नहीं. लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने तुम्हें क्या किया है, मौखर वक्त दिया है, मोहलत दी है कि चाहे तो तुम पलट आओ, चाहे अपने जुल्मों में मजीद बढ़ जाओ, फिर अल्लाह अल्लाह उसी तरह से तुम्हारा हिसाब किताब करेगा. वयजअलूना आयत नंबर 62, वयजअलूना लिल्लाहि मा यकरहूना वतसिफु अलसिनतुहुमुल कज़िबा अन्न लहुमुल हुस्ना ला जरमा अन्न लहुमुन नार वअन्नहुम मुफ्रतून. वयजअलूना, और वो सब बनाते हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए, माँ जो, यकरहूना या वो, वानुसब कराहा, कराहा जिससे महसूस करते हैं, वो अल्लाह के लिए पसंद करते हैं, वो अल्लाह के लिए बनाते हैं. वह तसिफु, और तसनीफ करती है और कहती है, अलसिनतुहुम उनकी लिसान, उनकी जबाने, अलकजिब झूठ, अलसिना लिसान का प्लूरल है, अलसिनतुहुम उनकी जबाने झूठ कहती है, अन्ना लहुम क्या झूठ कहती है, अन्ना के लहुम उनके लिए, अलहुस्ना भलाई है, यानी दुनिया और आखिरत में उनके लिए भलाई है, ला जरमा ला नहीं, जरमा कोई शक, अन्ना लहुम के, अन्ना के लहुम ला लिए हुम उनके, उनके लिए अन्ना आग है, जहन्नम है, वह अन्नहुम और ये के वो, हुम वो सब, मुफरतून वो तो सबसे पहले उसमें पहुंचाए जाएंगे. और वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए जो वो नापसंद करते हैं, और कहती हैं और बयान करती हैं उनकी जबाने झूठ के उनके लिए भलाई है, नहीं कोई शक के उनके लिए आग है, और ये के वो उसमें सबसे पहले पहुंचाए जाएंगे. यानी अल्लाह सुबहान तआला के लिए क्या चीजें पसंद कर रहे थे, बेटियां. ये क्या कह रहे थे कि अल्लाह की बेटियां हैं, और अगर इनके घर में किसी को बेटी की खुशखबरी दे दी जाए तो उसके चेहरे पर स्याही छा जाती है, वो क्या करता है मायूसी से, और मुंह छुपाता फिरता और सोचता है कि कहीं इसको दबा दूं मिट्टी में. तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के लिए तो वो चीजें पसंद करते हो जिससे खुद कराहत महसूस करते हो, जो तुम्हें खुद को पसंद नहीं है, और अपनी जबानों से ये बातें निकालते हो कि हमारे लिए दुनिया में जैसे भलाई है वैसे आखिरत में भी भलाई होगी. यानी कि अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो दुनिया के मालो मता में क्यों देता, अल्लाह ने जब दुनिया में इतना दिया तो आखिरत में भी देगा. अल्लाह फरमाता है कि नहीं, ये दुनिया के चीजों से धोखा मत खा जाना. यानी कि किसी को अल्लाह सुबहानहू तआला ने बहुत दिया दुनिया को, माल और औलाद, अगर उसमें कसरत दी तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अल्लाह उससे राजी है. किसी से राजी हो तो भी उसको दे सकता है, किसी से नाराज हो तब भी उसको दे सकता है, लेकिन ये पैमाना है ही नहीं. अल्लाह सुबहानहू तआला की राजी और नाराज होने का ये पैमाना ही नहीं है. यानी कि अगर हम इसको सोच कर चले कि जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया दुनिया का मालो दौलत, वो क्या है, अल्लाह का करीबी बंदा है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, इसीलिए उसको दुनिया में दिया जा रहा है और आखिरत में भी उसी को मिलेगा जिसको दुनिया में मिला, तो ऐसे तो फिर दुनिया में पता चल गया होता ना हमें, और फिर लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते कि भाई हम भी किसी तरह से दौलत जमा करें, क्योंकि ये तो पहचान है कि अल्लाह हमसे राजी है ना. तो अल्लाह ने फरमाया ये क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए भलाई है, यानी आखिरत की भी भलाई हमारे लिए, जैसे दुनिया में हमें मालो दौलत मिली है तो वैसे ही आखिरत में भी मिलेगी. अल्लाह सुबहानहु तआला फरमाते नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उनके लिए आखिरत में आँख के सिवा कुछ नहीं, और वो तो सबसे पहले आग में झोंके जाएंगे, सबसे पहले इनको आग में पहुंचाया जाएगा. रिपीट करें. आयत नंबर 63, लकद अरसलना इला उमम मिन कब्लिका फज़य्यना लहुम शैतानु أعمالهم فهو وليهم وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. آية نمبر 64, وما أنزلنا عليك الكتاب إلا تبين لهم الذي
الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. तल्लाही कसम अल्लाह की, ठीक है, ता के साथ आएगा, तल्लाही जब भी आएगा वर्ड तो अल्लाह की कसम हमने तर्जुमा करना है, क्यों, और ता जो होता है सिर्फ अल्लाह के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वाव अगर होता वल्लाही तो वो वाव जो वो दूसरी चीजों के भी साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ता सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा वन मोर थिंग, के अल्लाह सुबहान तआला के लिए जायज, अल्लाह सुबहान तआला की सारी चीज अथॉरिटी है तो वो चाहे जिस चीज की कसम खा सकता है, लेकिन बंदों को सिर्फ अगर कसम उठानी भी है बहुत जरूरत होने पर तो किसकी खाएगा, सिर्फ अल्लाह की, और दूसरी चीजों की, माँ की कसम, बाप की कसम, बहन की, बच्चों की, औलाद, कुरान की कसम, सब कसमें खाते हैं ना, वो तमाम कसमें अगर किसी को कसम उठानी भी पड़ जाए किसी सख्त मतलब शदीद जरूरत में तो क्या करे, वो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए। जी तल्लाही अल्लाह की कसम, लकद अलबत्ता तहकीक, बेशक, अरसलना भेजा, अरसला भेजा ना हमने, हमने भेजा, इला उम्मिन उम्मतों की तरफ, मिन कबली का आपसे पहले, आपसे कबल आपसे पहले, फजयना का फिर, जयना मुजयन कर दिया, सजा दिया, लहुम उनके लिए, अशैतानु शैतान ने, आमालहुम उनके आमाल, फहुआ का फिर, हुआ वो, वलीहुम उनका वली उनका दोस्त होगा, अलयौम आज के दिन भी, वलहुम और उनके लिए, अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 64, वमा अनजलना अलैकल किताब, वह और माँ नहीं, इल्ला की वजह से ये माँ नहीं में जाएगा, और नहीं नाजिल की हमने अलैका आप पर किताब, अल किताब कुरान करीम, इल्ला सिवाय ली तु बैयना इसलिए, या ताके आप ता तुम आप बैयन बयान कर दें, लहुम उनके लिए, अल्लजी वो जो, इख्तलफू वो सब इख्तिलाफ कर रहे हैं, फी ही उसमें, वहुदं वह और हिदायत है, व रहमा और रहमत है, लिकौमी युमिनून ऐसी कौम के लिए जो ईमान लाते हैं, ईमान वाले हैं। कसम है अल्लाह की बेशक अलबत्ता तहकीक भेजा हमने उम्मतों की तरफ आपसे पहले भी, फिर मुजयन कर दिया उनके लिए शैतान ने उनके आमालों को, तो वो उनका दोस्त है आज के दिन और उनके लिए दर्दनाक आजाब है। 64, और नहीं नाजिल किया हमने आप पर किताब, नहीं नाजिल की हमने आप पर किताब सिवाए इसलिए कि आप बयान कर दें, वाजे कर दें उनके लिए वो जो इख्तिलाफ, वो सब लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं उसमें, और हिदायत और रहमत है ईमान वाली कौम के लिए। यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमा रहे हैं, इससे पहले भी सारे उम्मतों की तरफ रसूल भेजे गए, सारी उम्मतों की तरफ किताब की भेजी गई, लेकिन हर उम्मत में क्या मामला हुआ कि शैतान ने उन लोगों के जो मतलब आमाल थे उनके लिए मुजयन कर दिए, मुजयन कर दिए इन द सेंस के हमारी रस्में, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हम उसको नहीं छोड़ सकते, ये हमारे बाप दादाओं का दीन है, हम इस पर हम इसको कैसे, ये तो हमारे सदियों से चला आ रहा है, तो ये शरीयत को कुछ अहमियत नहीं देते जब रस्म और रिवाज की बात आती है, चाहे वो रस्म और रिवाज शरीयत से टकरा रही हो फिर भी क्या होगा, वो अपने चीजों को जो उन्होंने गढ़ लिया है, जो उन्होंने बना लिया अपनी रिवायतें, उनको क्या करते हैं, ज्यादा अहमियत दे देते हैं, तो शैतान क्या करता है, ऐसे कामों को उनके लिए मुजयन कर देता है, यानी इतने सालों से तो लोग करते आ रहे थे, ऑल ऑफ सडन हम कैसे बदले, इतनी मतलब इसको बदलने की जरूरत क्या है, तो शैतान क्या करता है, वो जो काम गलत होते हैं उनके लोगों में अच्छे करके दिखाता है, भले करके दिखाता है, तो हर उम्मत में ये हुआ कि शैतान उनका दोस्त बन गया, शैतान ने उनको काम मुजयन करके दिखा दिए, तो उन्होंने शैतान की पैरवी की, अब जो शैतान की पैरवी दुनिया में करेगा, अलयौम यानी कयामत के दिन वो शैतान ही उनका क्या बनेगा, दोस्त बनेगा, वलहुम अजाबुन अलीम और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। आयत 64, वमा अनजलना इलैकल किताब इल्ला लितुबय्यना, हमने आपके ऊपर किताब इसलिए नाजिल की है कि जो लोग इस किताब के मुतालिक या कयामत के मुतालिक या आखिरत के मुतालिक या मौत के बाद उठाए जाने के मुतालिक क्या कर रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं, आप इस किताब के जरिए से उस बात को क्या कर दें, वाजह कर दें उन लोगों के लिए, और जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए तो ये किताब क्या है, हिदायत और रहमत है उनके लिए, तो गाइडेंस है और उनके लिए तो सबसे बड़ी रहमत इस किताब के जरिए से ही है,
बाकी उन लोगों के लिए जो इख्तलाफ में पड़े हैं उनके लिए इस डाउट का क्या है, क्लैरिफिकेशन, यानी कि वो जिस इख्तलाफ में पड़े हैं तो उनको इख्तलाफ से बाहर निकालने के लिए हमें ये हमने ये किताब तुम्हें अता की है। चलें रिपीट करें। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايت نمبر 65 والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون ايت نمبر 66 وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم من بين فرسم ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين آية نمبر 67 ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية آية لقوم يعقلون والله اور اللہ. دیکھیں ابھی اگر یہ واللہ ہے تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور اللہ ہے نا برابر اور کر رہے ہیں اور واللہ ہوتا تو اور اللہ वल्लाही होगा तो हाँ अगर जेर आ जाएगा ना वल्लाही तो अल्लाह की कसम जैसे तल्लाही आया वैसे अल्लाह वल्लाही आएगा वल्लाही होगा तो अल्लाह की कसम वल्लाहू और वल्लाहा आएगा तो और अल्लाह और का तर्जुमा चला जाएगा वाव ठीक है अब यहाँ पर और अल्लाह अंजल समाऊ और अल्लाह ने अंजल नाजिल किया मिन समाई आसमान से मा अन पानी फ़ाहिया फ़ा फिर अहिया हयात दी जिंदा किया भी उससे अल अर्दा जमीन को बादा मौतिहा बादा बाद मौतिहा उसकी मौत के उसकी यानी उस जमीन की मौत के बाद उसको जिंदा किया इन्ना बेशक फी जालिका इसमें जालिका इस फी में इसमें ला अलबत्ता ला में ताकीद है ला बेशक आयतन निशानी है लिकौमी यस्मऊन ऐसी कौम के लिए जो या वो वाउन सब समा सुनते हैं और अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से पानी फअहया बिहिल अर्दा बादा मौतिहा फिर जिंदा किया उससे उस पानी से यही की जमीन माँ की तरफ है और हा की जमीन जमीन की तरफ है और उससे जिंदा किया उससे यानी पानी से जिंदा किया जमीन को उसकी मौत के बाद बेशक इसमें निशानी है सुनने वाले लोगों के लिए सुनने वाली कौम के लिए आयत नंबर 66 व इन लकुम फिल अनआम इब्रा वह और इन्ना बेशक लकुम तुम्हारे लिए फिल अनामी अनाम में मवेशियों में चार पायों में ला इब्रा ला अलबत्ता इब्रा इब्रत है निशानी है इसमें भी तुम्हारे लिए सीख है नुस्कीकुम नून हम नून सारा है ना नून सीन कफ या सका पिलाते हैं कुम तुमको हम पिलाते हैं तुमको मिम्मा मिन से माँ जो उससे जो पी बुतून ही पी में बुतून बतन बतन का जमा है बुतून पेटों में है ही उसके उनके पेटों में है मिम बैनी परसिन मिन से बैनी दरमियान परसिन गोबर वदमिन और खून गोबर और खून के दरमियान से जो निकलता है लबनन दूध खालिसन खालिस दूध प्योर दूध साइगन खुशगवार है लिशारिबीन पीने वालों के लिए शरीबा से बना शारिफ शारिफ यानी फाइल पैटर्न पर है पीने वाला पीना लग गया तो प्लूरल हो गया शारिबीना पीने वालों के लिए आ गया ली से लिए आयत नंबर 67 व इन लकुम इब्रा और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में भी बड़ी इबरत है नसीहत है हम पिलाते हैं तुमको उसमें से जो उसके पेटों में से ही निकलता है दरमियान गोबर और खून के खालिस दूध खुशगवार है पीने वालों के लिए आयत नंबर 67 वमिन समरातिन नखीलिन और उस पानी से और क्या निकलता है वमिन समरातिन और फलों में से नखील नखील खजूर खजूर आनाप अंगूर खजूर और अंगूर तत्तखिज़ूना ता तुम वानुन सब इत्तखज़ा अखस करते हो निकालते हो मिनहु उससे सकरन नशावर चीज शराबें तुम उससे शराब निकालते हो वरिज़्क़न हसनन और पाक रिज़्क अच्छा रिज़्क इन्ना फी ज़ालिका इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें लआयतन अलबत्ता निशानी है लिकौमिन याक़िलून ऐसी कौम के लिए जो अकल रखती है
ठीक है, आयत नंबर 65, और हमने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर उसे मुर्दा जमीन को जिंदा किया उसकी मौत के बाद। अब मुर्दा जमीन यानी बैरन लैंड, जो बंजर पड़ा हुआ है ना, जो फटी हुई जमीन आपने देखी होगी, उसके अंदर कैसा होता है, चटकी हुई होती है। तो जब अल्लाह सुबहान व तआला उस पर पानी बरसाते हैं तो कैसी हो जाती है, खिल उठती है, उसके अंदर से सब्जा उगना शुरू हो जाता है। तो हमने उसकी मौत के बाद, उस जमीन की मौत के बाद उसको जिंदा किया। मौत यानी कि वो जब बंजर है तो वो मौत है उसके लिए, और जब उसके अंदर से फल और सब्जा निकलने लगे तो वो उसकी जिंदगी है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यसमऊन, और इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर से बातों को सुनते हैं। हिदायत के जरिए कौन कौन से हैं, जबान, ये तीनों हिदायत के जरिए हैं। कान है, आंख है, जबान है, ये सारे रास्ते दिल को जाते हैं। अगर ये सारे बंद कर दिए जाएं तो फिर हिदायत दिल तक नहीं पहुंचेगी। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, जो नसीहतों को सुनते हैं, जो गौर से बातों को सुनते हैं, अल्लाह सुबहान तआला क्या करते हैं, उनके लिए इसमें भी निशानियां रखे हुए हैं। तो हमारे लिए क्या चीज ज्यादा अहम है, अल्लाह ने देखे कुरान में बार बार है ना, सुनने से रिलेटेड बात आती है, बोलने से रिलेटेड इतनी बात नहीं आती। यानी अल्लाह को साइलेंस ज्यादा पसंद है। अल्लाह हमारा रब्बुल इज्जत साइलेंस है ना, साइलेंट रहता है ना, कि जोर शोर से उसकी आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन देखें उसकी कायनात, उसकी तखलीक देखें, साइलेंटली सारा कुछ कर रहा है हमारा रब्बुल इज्जत। तो अल्लाह को ये खसूसियत बहुत ज्यादा पसंद है कि हम अपनी जबान को बंद रखें, जब इस्तेमाल करें, जब हमारे जो अल्फाज हैं वो खूबसूरत हों और काम के हों, फजूल गोई के लिए इस जबान को इस्तेमाल ना करें। सुबह उठते हैं तो सारे बदन के अज़ा क्या करते हैं, पना मांगते हैं जबान से, कि तू अगर सही रही तो हमारा मामला आज के दिन का सही हो जाएगा, अगर तू खराब हो गई तो क्या होगा, कि हमारा हमारे ऊपर भी फिर क्या होता है, उस चीज का अजाब आता है। तो सबसे ज्यादा जो गुनाह करवाने वाली चीज है वो है जबान। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि जो लोग गौर और फिक्र, जो गौर से सुनते हैं बातों को, उनके लिए इसमें भी निशानी है, कि देखे किस तरह से अल्लाह ने मुर्दा जमीन को क्या किया, जिंदा किया। उसी तरह से अल्लाह सुबहान तआला मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शता है। पानी कहाँ से आता है, वही कहाँ से आती है, तो पानी की जगह समझे वही आसमान से आती है, वही, और ये अर्ध जो है जमीन, ये हमारे दिल का दिल की जमीन है, और वो मुर्दा है जब तक के उसके ऊपर वो वही का नुज़ूल ना हो जाए। जब अल्लाह सुबहान तआला के ये कुरानी आयतें जब हमारे दिलों पर उतरती हैं तो इसका जो मुर्दापन है वो खत्म होता है, और ये जिला इसको मिल जाती है और ये जिंदा हो जाता है। समझ रहे हैं, तो अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमा रहे हैं, इसमें भी निशानियां हैं, जरा गौर फिक्र तो करो, जरा नसीहतों को सुनो तो सही। व इन्ना लकुम फिल अनाम इब्रा, और तुम्हारे सामने तो मवेशी चलते फिरते हैं, तुम्हारे लिए उसमें भी नसीहत है, इबरत है। कैसी नसीहत है, कि हम तुम्हें खालिस दूध पिलाते हैं, और कहाँ से वो दूध निकलता है, उनके पेटों में से, और वो दूध बनने की जगह कहाँ है, गोबर और खून के दरमियान, गोबर और खून के दरमियान से दूध निकल रहा है। गोबर का रंग पीला, खून का रंग लाल, दूध का रंग, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुबहान तआला की कुदरत देखे ना। गोबर कितनी नापाक चीज, हराम चीज, खून हराम, उन दोनों हराम के दरमियान से एक हलाल चीज निकल रही है, साफ शफाफ, और पीने वालों के लिए सायगन, खुशगवार। पीने वाले इसको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट फूड्स में से है दूध, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मरगूब था ये जो दूध है। तो देखें अल्लाह सुबहान तआला की कितनी खूबसूरत निशानी यहाँ पर बयान की जा रही है, कि जरा देखो तो, कि अल्लाह सुबहान तआला ने कितनी दो नापाक चीजों के दरमियान से एक खालिस पाक चीज तुम्हारे सामने निकाल के रख दी, और पीने वाले बड़े मजे से उसको चाव से पीते हैं, खुशी होती है उनको पीते हुए, और दुनिया की इसके अंदर क्या है, एनर्जी है, और हमने स्कूल में पढ़ा था साइंस में, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, हम पढ़ते थे ना, वजह बताइए कि जो दूध है वो मुकम्मल गिजा है। तो मुकम्मल गिजा क्यों है, उसके अंदर लिक्विड भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर मिनरल्स भी है, उनके अंदर सारी चीजें हैं। तो यानी अल्लाह सुबहान तआला यहाँ पर फरमाते हैं कि देखो मवेशियों में भी तुम्हारे लिए हमने निशानी रखी है, वमिन समरातिन नखीलिम व अनाब, और फलों में हम तुम्हारे लिए क्या निकालते हैं, खजूरे और अंगूरों को तुम्हारे लिए उगा देते हैं। अंगूर खाने की चीज है, लेकिन तुम उससे क्या अखज करते हो, सकरन, यानी नशावर चीजें, तो वो क्या है, वो नापाक चीज है, ठीक है।
तो पाक चीज से तुम नापाक चीज भी बना लेते हो, और उसी से अच्छी चीजें भी बनती हैं। कि अगर तुम उसको सड़ा लो और ज्यादा वो कर लो, फर्मेंट कर लो, खमीर कर लो, तो शराब बन जाएगी। अगर तुम सुखा लो तो किशमिश वगैरह बन जाती है। पाक है तुम खाते हो, और ये नापाक है जो हराम कर दी तुम्हारे रब ने। तो एक ही चीज है जिसको अल्लाह सुबहान तआला ने इस तरह से हर तरह से तुम्हारे लिए ढाल के दिखा दिया। इन्ना फी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमी याक़िलून, जो अकल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इन तमाम चीजों में क्या है, बहुत सारी निशानियां हैं। तो देखें, बंदे गौर नहीं करते ना, अल्लाह खुद गौर करवाते हैं। देखो ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, जरा गौर तो करो कि तुम्हारे रब ने क्या 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 निशानियां तुम्हारे लिए रख दी हैं। तुम हर लम्हा उन तमाम चीजों को एंजॉय कर रहे हो। कभी तुम कहते हो क्या, ना ना तेरा शुक्र है कि तुमने उस मुर्दा जमीन को जिंदा किया, उसमें से अनाज उगा तो मैंने खाई। कभी हम शुक्र करते हैं, कभी हम कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने दूध और वो जो गंदा गोबर और नापाक खून है उसके दरमियान से तू हमें दूध दे रहा है, दूध जो कि खाने से जो हमें ताकत दे रहा है उस पर तेरा शुक्र है कि तूने उसमें से पाक दूध निकाला। अगर उसके अंदर जरा सा भी अगर खून मिल जाता, पिंक कलर का हो जाता ना, जरा सा गोबर मिल जाता तो वो येलोइश हो जाता, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने खालिस सफेद रंग का उसके अंदर से दूध निकाला है, क्योंकि तुम्हें कुछ गवार लगता है, तुम्हें पीने में मजा आता है उसको। तो इसमें भी तुम्हारे लिए निशानियां हैं, और वो चीजें जो हमने पाकीजा पैदा की हैं उसमें से खालिस चीजें भी तुम निकालते हो और खबीस चीजें भी तुम निकालते हो। इसमें भी देखो, जो अकल रखते हैं उनके लिए निशानियां हैं। ये इसलिए बयान किया गया ताकि हम गौर फिक्र करें कि हमारे रब ने हमारे लिए कितनी चीजों को मसक्कर करके रखा है। अगर अल्लाह हुक्म दे दे तो कोई दूध देना छोड़ दे ये सारे, अगर अल्लाह हुक्म दे दे तो ये जमीन सब्जा उगाना छोड़ दे, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म के ताबे हमारे लिए मसक्कर की हुई चीजें हैं। तो अल्लाह बार बार ये क्यों याद दिला रहे हैं, ताकि तुम अपनी अक्ल के घोड़े जरा दौड़ाओ और अपने रब की ये जो खलकत है और ये जो इसके शाहकार है इसको देखो और अपने रब को पहचानो। जब तक तुम पहचानोगे नहीं अपने रब को, तो कहाँ से तुम उससे मोहब्बत करोगे, और जब तक तुम मोहब्बत नहीं करोगे तब तक तुम्हारी इबादतें इबादत नहीं होंगी। इबादत हमको हर कोई कर रहा है, हर कोई नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो खुलूस, वो खुशू, वो खुजू, वो उसके अंदर जो चाम, वो उसके अंदर जो मोहब्बत और जो एक लज्जत होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अपने रब को पहचाना ही नहीं। जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए इंसान मरने मिटने को तैयार होता है, उसकी कोई बात बुरी बुरी नहीं लगती। तो वो रब जो सारी खूबियों का मंबा है, सारी खैर वहीं से निकलती है, तो वो कैसे हमें अच्छा नहीं लगेगा। जब हमने पहचाना ही नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सजदों में भी कोताहियां हैं, नमाजों में भी कोताहियां हैं, इबादतों में भी कोताहियां हैं, और लज्जत और सुरूर तो है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है। स्वीटनेस ऑफ इबादा किसको कहते हैं वो हमें पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें क्यों बयान की जाती हैं, ताकि हम अपने रब को पहचाने, उसकी सिफात को जाने, वो कैसा बड़ा खालिक है, वो कैसा शानदार खालिक है, वो कैसा मुदब्बिर बादशाह है, किस तरह से उसने तदबीरें कर करके दुनिया को सजा दिया तुम्हारे लिए कि तुम अपनी जिंदगी को आसान कर सको और अपने रब की क्या पा सको, कुर्बत पा। इसलिए ये गौर और फिक्र करता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो चीजें कैसे मैं बना रहा हूँ। अल्लाह ही के अता करदा चीजें है ना, अगर अल्लाह ना चाहे तो हम पलक नहीं झपक सकते। बिल्कुल सही है ना, बेशक फिर दुनिया हमारे लिए बेमानी हो जाएगी, बेमानी। जिस दिन हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी, उस दिन अल्लाह सुबहान व तआला की मोहब्बत यहाँ बस जाएगी। एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रह सकती, एक एक जो किंगडम होते हैं उसके दो किंग नहीं होते, एक बादशाहत के दो राजा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर या तो दुनिया बसेगी या रब बसेगा। जब हमने दुनिया को रचा बसा दिया, तो यहाँ रब कैसे बसेगा। रब को बसाना है तो हमें इस दिल से दुनिया को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल जब हम इससे मतलब ये दुनिया से आंखों को मूंद लेंगे ना, जब अल्लाह सुबहान तआला हमें क्या होगा, उसके जो ये सारे शाहकार है ना, ये हमें एक एक मौजजा बनकर दिखाई देंगे, है ना। ये तो सारी ऐसी नॉर्मल सी बातें लगती हैं, लेकिन अगर गौर और फिक्र करें ना, तो फिर यही सारे क्या है, मौजजे हैं जो अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से। गौर करना चाहिए। चलें ठीक है, रिपीट करें तीनों। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم. آية نمبر 68. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. آية نمبر 68. وأوحى وحي کی ہم نے وحی کی رب اوہا وحی کی رب کا آپ کے رب نے الی نحلی الی طرف نحلی شہد کی مکھی کی طرف یا شہد کی مکھی پر ان اتخذی ان کے اتخذی کہ تو بنا بنا اخذ کر من الجبالی پہاڑوں میں بیوتن گھر ومن الشجری اور درختوں میں بھی ومما اور اس میں سے جو یعرشون جو اونچے اونچے ہیں عرش سے بنا نا عرش جو اونچے اونچے بیل دار درخت ہے اس کے اندر اپنے گھر بنا ٹکیاں کہا جاتا ہے ٹکیوں میں ثم پھر آیت نمبر 69 ثم پھر کلی کھا من کل ثمرات ہر پھلوں میں سے کلی ہر ثمرات پھلوں من سے فصلو کی ف پھر سلکا چل چلتی رہ سبولا راستے پر ربی کا تیرے رب کے اپنے رب کے زلولن سیدھے سیدھے راستے پر جی اس میں سیدھا ہی لکھا ہے نا سیدھے راستے پر چلتی رہے یا خروجو یا خروجو خرج نکلتا ہے من بتونی ہاں من سے بتون بطن بطن کا پلورل ہے بتون پیٹوں سے ہاں اس کے پیٹوں سے شرابن پانی ارے سوری ہاں پانی مختلف پینے شراب مطلب پینے کی چیز مختلف الوانہ اس کے رنگ ہیں اور وہ پینے کی چیز اس کے رنگ مختلف لون کا پلورل ہے الوان مختلف رنگوں کا پینے کا پانی پینے کی چیز پی ہی اس میں شفا ان شفا ہے لناسی لوگوں کے لیے انا بے شک پی ذالکا اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے لقومی یتفکرون ایسی قوم کے لیے وہ سب جو غور و فکر کرتے ہیں آیت 68 اور وحی کی آپ کے رب نے یعنی ان کا کیا وحی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرح سے بنا پہاڑوں میں بھیوتن کر اور ومن شجری اور شجر یعنی درختوں میں وہ مما یعرشون اور جو اونچے اونچے ہیں یعنی کہ جو ٹٹیاں ہیں اس میں اپنے گھر بنا ثم کلی من کل ثمرات ثم پھر کلی کھا کل سے بنا یہ کلی فیمیل کے لیے آتا ہے کلی کھا من کل ثمرات ہر پھل میں سے بس لکی پھر تو چلتی رہ سبولا سبیل کا پلورل ہے سبول ٹھیک ہے سبیل راستوں پر ربی کا آپ کے تیرے رب کے آپ کے رب کے نہیں نہیں تیرے رب کے سوری ٹھیک ہے تیرے رب کے ربو ربی کی آیا نا فیمیل کے لیے آ رہا ہے کہاں آئے گا تو میل کے لیے کی آ گیا تیرے رب کے راستوں پر زلولن سیدھے راستوں پر یا خروجو من بطونہا نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی چیز وہ کیسی ہے مختلف رنگوں کی ہے ڈفرینٹ کلرز کی ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے بے شک اس میں کیا ہے نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس کی وہ کرتے ہیں انالیسس کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے وَأَوْحَى رَبُّكَ أَوْحَى وَحِي سے بنا ہے رائٹ وہی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دل میں اتار دینا کسی چیز کو مخفی طور پر خفیہ طور پر کسی کی طرف بھیج دینا تو اللہ وہی کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن کی جو ریولیشن ہے قرآن کی جو وہی ہوتی ہے دیٹ از ڈفرنٹ وہی کا مطلب ہوتا ہے ایسی خفیہ بات جو کہ دوسروں سے پوشیدہ اور صرف اسی کو پتہ چلے جس کی طرف وہ بھیجی جا رہی ہے تو وہی کیا آپ کے رب نے یعنی ایک بات ڈال دی آپ کے رب نے کس میں شہد کی مکھی کے دل میں اب کیا بات ڈالی کہ
हर पहाड़ों में, पेड़ों में और ऊंची ऊंची जगहों पर क्या बना? घर बना। अब पहले हम इसको देखते हैं, अल्लाह सुबहानहु ताला ने पहले तो शहद की मक्खियों को क्या किया, ये हुक्म दिया कि तुम ऊंची जगहों पर घर बनाओ, बिकॉज यू नीड सेफ्टी। शहद बनाने का प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा होता है, तो उसके लिए अगर आने जाने वाला हर इंसान देख रहा है तो फिर वो तो बनाने ही नहीं देंगे ना। तो अल्लाह सुबहानहु ताला ने क्या कहा, ऊंची जगहों पर, पहाड़ों पर, ऊंचे पेड़ों पर, ऊंची जगहों पर, ताकि वहां पर कोई टच ना करे, ताकि वहां पर तुम्हें सेफ्टी मिले, ऐसी जगहों पर घर बना। अब घर का मामला ऐसा है कि मतलब मुफस्सिरीन ने फरमाया और साइंटिस्ट लोगों ने भी रिसर्च की कि जो शहद की मक्खी का घर होता है वो हेक्सागोनल होता है, ऐसे 6 साइड वाला ऐसा घर होता है, और वो सारे एक के अंदर एक ऐसे मिले हुए होते हैं, तो बी हाइव कहते हैं शहद की जो मक्खी का घर होता है, और वो दुनिया का मजबूत तरीन घर माना जाता है। जो घर इस फॉर्म में बनाया जाता है वो सबसे मजबूत तरीन घर होता है, क्योंकि उसको जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी एक एक साइड जो होती है दूसरी दूसरी साइड में फिट हो जाती है। अगर आप गोल 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 ऐसे लगाते हैं तो क्या होता है कि देखिए, दो गोल जब बनाते हैं हम तो उसके बीच में गैप रह जाता है ना, तो गैप क्या करता है, किसी भी चीज को कमजोर करता है, और एक चीज के अंदर दूसरी चीज का। अब देखें, ये हमारी 5 उंगलियां और ये 5, जब ये यूं मिलती हैं तो सब अच्छी तरह से फिट हो जाती हैं, राइट। अगर हमारी एक उंगली ना हो, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसा अगर हो तो क्या होगा, ये फिट नहीं होगा ना प्रॉपरली, यहाँ गैप रह गया। तो ये गैप रहना क्या होता है, उस चीज की कमजोरी को बयान बयान करता है। तो अल्लाह ने जैसे उसको वही किया, जैसे उसको ट्रेन किया कि किस तरह से तुझे घर बनाना है, तो वो अपने घरों को बनाती हैं। और एक चीज जो नोट करने वाली है, अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया इत्तखजी, फीमेल्स को फरमाया। फीमेल्स को क्यों फरमाया, क्योंकि जो शहद की मक्खियां होती हैं इनके अंदर अलग 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 काम करने का लोगों का वो बटा हुआ होता है। कैसे, एक होती है क्वीन, रानी होती है, एक होता है प्रिंस जो राजा होता है, किंग होता है, एक होती है क्वीन, दो हो गए, बड़े बड़े होते हैं, उनका शेप भी और साइज भी बहुत बड़ा होता है। वो जो मेल मेल जो होता है वो कुछ काम नहीं करता, ठीक है, कुछ काम नहीं करता, उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है कि वो अपनी क्वीन को इंटीमेट करता है, यानी उसके अंडे पैदा करने में उसकी मदद करता है, दैट्स ऑल उसका एक काम है। वो जो मेन क्वीन है उसका सिर्फ काम है कि वो सिर्फ ले ही लेज द एग, बस खाली अंडे देती है, वो दूसरा और कुछ काम नहीं करती। ये जो दो मेन किंग और क्वीन है उनका सिर्फ काम क्या है, बच्चे देना, उनका सिर्फ काम यह है बच्चे देना, बाकी सारा काम जो होता है वो वर्कर भी करती है। वर्कर भी यानी कि जिनको समझ ले सर्वेंट है, वो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना उनमें से कुछ होते हैं जो लार्वे होते हैं, छोटे होते हैं, जो बिल्कुल छोटे होते हैं। अब वर्कर भी जो होती है वो फीमेल्स होती हैं, वो काम करने वाली होती हैं, जैसे हम मेड रखते हैं ना, समझ ले कि वो उस तरह से वर्कर्स होती हैं। ये अल्लाह सुबहाना ताला की बनाई हुई कॉलोनीज है, कि इस तरह से अल्लाह ने उनके कामों को डिवाइड किया है। तो ये जो वर्कर भी होती हैं इनका काम होता है पोलन ग्रेन जमा करना, जो जीरे बजरे होते हैं ना जो फूलों के ऊपर से, वो जमा करती हैं, फूलों का रस चूसती हैं, वो लेकर आती हैं, वो मतलब अपने अंदर भी चूसती हैं। फिर उसके अलावा क्या करना होता है, जो बी हाइव होते हैं, जो छत्ता होता है उस छत्ते की सफाई करना भी उनका काम होता है, फिर रेजिंग वगैरह लेकर आना उसका काम होता है। फिर उसके अलावा अगर छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल न्यू बॉर्न है, बिल्कुल अभी पैदा हुए हैं, तो उनको लाकर भी खिलाना पिलाना होता है, ये भी आके फीड करती हैं, जो रस लेकर आती हैं वो इनको खिलाती पिलाती हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला ने देखे लफ्ज जो इस्तेमाल किया है इत्तखजी, तो उससे इंडिकेट हुआ फीमेल, जो कि अब जाकर रिसर्च से पता चला कि वो जो काम करने वाली होती हैं वो फीमेल एंट्स, फीमेल बीज होती है। सुभान अल्लाह, सुभान तआला ने 1400 साल पहले बता दिया कि उसमें जो काम करेंगे वो औरतें, क्योंकि वो सीधा बता रहा है इत्तखजी, ही डजंट सेड इत्तखज, या जो है ना ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, कुली कुली तू खा, और ये फीमेल के लिए, कुल मेल के लिए आता है, कुली फीमेल के लिए आता है। ने फरमाया कि पहले तुम क्या करो, अपने तुम वो बनाओ, घर बनाओ, घर तामीर करो, और घर तुमने बड़ी मजबूती से बनाना है, और घरों की सफाई का भी मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरह से हम कैसे करवाते हैं ना मेंटेनेंस, उसकी दीवारें, उसके कलर और सब चीज का ध्यान रखते हैं, तो उनका भी ये काम होता है कि उसकी दीवारों का अगर कहीं से टूट रही है तो उसकी रिपेयरिंग वर्क भी चलता रहे, साथ में अगर उसके अंदर कहीं गंदगी हो गई है तो उसको सफाई भी करते रहे,
गंदगी जरा भी नहीं। देखिए अल्लाह सुबहान तआला को खिलाना शायद हमें है और मेहनत पे उनको लगाया हुआ है, अल्लाह सुबहान तआला की कुदरत है। और फिर क्या कहा, सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात, और खा चूस रस हर फल का। अब ये जो मक्खियां होती हैं तो ये पहले तो हर फल का अल्लाह सुबहान तआला ने क्यों फरमाया, क्योंकि ये सारे जो फूल होते हैं उसका मिलकर जब रस बनता है तो उसके अंदर क्या बन जाती है, बहुत सारे मिनरल, बहुत सारी जो चीजें एक इंसान की बॉडी के लिए जरूरी होती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो हर फल में से अगर खाएगी तो क्या होगा कि हर चीज का मिनरल, हर चीज के अंदर जो ताकत है वो उसमें मौजूद होगी। जिस तरह से कहा जाता है गाय का दूध पीना चाहिए, गाय के दूध में क्या होता है, सबसे ज्यादा मिनरल, सबसे ज्यादा प्रोटीन होते हैं, बिकॉज गाय हर तरह की घास चरती है, सिर्फ एक टाइप की घास नहीं खाती, जैसे अनलाइक भैंस बोलते हैं ना उसको, भैंस, हाँ भैंस, भैंस जो होती है ना सिर्फ एक कुछ मखसूस घासें खाती है, लेकिन गाय जो है ना हर तरीके की घास पर गुजारा करती है, तो इसलिए उसका दूध ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा नाउ सी, यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया हर किस्म के फूलों से रस चूस, हर किस्म के फलों में से खा। अब इनका फलों बड़ा अजीब और गरीब है। अगर आधा किलो शहद बनाना है ना तो पता है आपको कितने फूल लगते होंगे, 1,000, 2,000, 3,000, कितने, 4 मिलियन फूलों पर, 4 मिलियन फूलों का रस चूसती है जब जाकर आधा किलो शहद बनता है। और फिर इनका शहद निकालने मतलब वो जो रसों को चूसने का तरीका ये है कि जब ये एक, अब ये जब निकलती है तो ऐसे नहीं कि एक निकल गई या दो चली गई, ऐसे नहीं, निकलती है तो एक झुंड में निकलती है, और झुंड में निकलने के बाद ऐसा होता है कि जब पहले इनका, अब क्या कहा अल्लाह ने, फस लुकी सुबुला रबिका जुलुलन, जो तेरे रब का सीधा रास्ता उस पर चल। अब अल्लाह सुबहान तआला ने इनको एक अलग ही किस्म का वो दिया हुआ है, मतलब इनका मैकेनिज्म, इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनके ग्रुप टीम वर्क और इनका आपस में एक दूसरे से मतलब जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना जबरदस्त है कि सबसे पहले जो एक वर्कर भी होती है काम करने वाली, जो शहद की मक्खी होती है, वो क्या करती है, जाती है बहुत दूर, और वो ऐसी होती है जैसे जिनको रास्तों की बहुत अच्छी पहचान होती है, वो वाली मक्खी क्या करेगी, बहुत दूर निकल जाएगी, और फिर क्या करेगी, सुराग लगा के आएगी कि उस जगह पर, उस जगह पर, उस जगह पर फूलों के बागात हैं। अब क्या होगा, वो आएगी और आकर अपने मक्खियों के सामने एक किस्म का डांस करेगी। अब वो डांस अलग अलग तरीके का होगा, अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो अलग तरीके से गोल घूमेगी, इस डायरेक्शन में जाना है तो अलग तरीके से डांस करके दिखाएगी, कहीं और सीधा जाना है तो परों को हिलाएगी, वो अलग अलग तरीके से अपना वो एक किस्म से वो एक्शन करती है, जिससे पता चलता है कि इतनी मतलब इस जगह पर है, इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद डिस्टेंस बताती है कि इस जगह पर तो है लेकिन कितना डिस्टेंस तुमको चलना है, तो उसके लिए वो उनका अलग अलग वो होता है कि इतनी बार चलेगी तो ये है, इतना डिस्टेंस है, इतनी बार यूं करके दिखाएगी तो इतना डिस्टेंस है, तो डायरेक्शन भी बताती है, ये सिम्ट में है, इस सिम्ट में, इस सिम्ट में, सीधा है, दाएं है, बाएं है, फिर साथ में डायरेक्शन भी बताती है, डिस्टेंस भी बताती है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, क्योंकि इतनी सारी लोगों को लेकर जाना है तो सारा पीछे अच्छी तरह से गाइड करके जाना पड़ेगा ना, तो पहले डिस्टेंस बता देगी इतने इतने किलोमीटर पर है, फिर उसके बाद वो बता देगी कि किस जगह पर जाना है, सब बताने के बाद फिर लेकर जाती है सारी फलों को, सारी मक्खियों को। अब जब सारी मक्खियां पहुंचती हैं तो उनको पहले ही हुक्म दे दिया जाता है कि जैसे ही तुमने रस चूसना है तो कोई एक निशानी लगा दी है वहां पर कि तुमने यहाँ पर रस चूस लिया है, ताकि दूसरी मक्खियां के टाइम वेस्ट ना करे वहां पर, गेटिंग दिस, यानी कि लाखों की तादाद में फूल हैं, लाखों की तादाद में मक्खियां आ रही हैं, अब हर कोई 10 10 बार वो फूल पर आ रही है, हर कोई आ रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है कि भाई ये मैंने चूसा इसमें तो कुछ नहीं निकला, ये मैंने चूसा, तो सारों का टाइम वेस्ट होगा ना, तो जैसे ही तुमने पी लेना है उसके फौरन बाद तुम्हें कोई निशानी लगा देनी है कि यहाँ का काम हो चुका, अब इस पर टाइम जाय नहीं करना, तुम्हें बस उतना वहां से फिर निकल आना। फिर उसके बाद ये सारी की सारी लौटती है अपने हाई पर, अपने छत्ते पर, फिर सारे लाकर अपना जो शहद है वो जमा करती है, मतलब वो जो हाँ लुआब जो निकलता है वो जमा करती है। एक और चीज जो हम बताना भूल गए, हमारी जो आंखें है ना उसके अंदर दो चेम्बर्स होते हैं, हमारी आंखों में दो चेम्बर्स होते हैं जिसकी वजह से हम सारी कायनात को, दुनिया को देख सकते हैं।
शहद की मक्खी के हर आंख में 6,000 चेम्बर्स होते हैं। 6,000 चेम्बर्स होते हैं जिसकी वजह से वो सारे तरफ के जो बारीक से बारीक वो शुआएं जो कि हमें नहीं दिखाई देती, अल्ट्रा वायलेट रेस जो कि हमें नहीं दिखाई देती, वो भी वो देखती है, उनको वो भी दिखाई देता है। समझ रहे हैं? फिर आगे अल्लाह सुबहान, फिर वो अपने शहद के छतों में पहुंचती हैं, छतों में आके पूरे शहद वगैरह जो बनाना होता है वो बनाती हैं। फिर अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया, यखरुजु मिन बुतूनिहा, ठीक है, अपने पेटों में से निकालती है पीने की एक चीज जिसके रंग मुख्तलिफ है। अब अल्लाह ने ये नहीं कहा बतनिहा, बुतून जो है बतन का प्लूरल है, और बतन बतन बुतून जो होता है तीन या तीन से ज्यादा को माना जाता है, क्योंकि जो जमा होती है अरबी जबान में दो को नहीं कहा जाता, तीन या तीन से ज्यादा को कहा जाता है। तो जो मक्खी का जो पेट है वो तीन चेम्बर का होता है। अल्लाह सुबहान तआला ने पहले बता दिया, ये तो इन लोगों ने अब रिसर्च की कि जैसा हमारा एक चेम्बर है पेट का और जो गाय वगैरह होता है उनमें चार चेम्बर होते हैं, उसी तरह ये जो शहद की मक्खी होती है इसमें तीन चेम्बर होते हैं, तीन हिस्से बने हुए होते हैं। पहले वो शहद को जो चूसती है वो उसके फर्स्ट हिस्से में जाता है, फिर सेकंड हिस्से में जाके वो जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो होना होता है, बाकी जब थर्ड में जा रहा होता है तो जितना उसके जिस्म को जरूरत है वो उसके अंदर जज्ब हो जाता है, बाकी सारा क्या कर देती है वो यहाँ पर जमा कर देती है अपने उसमें छत्ते में जमा कर देती है। फिर अल्लाह सुबहान तआला ने दो आयते है ना डिटेल देखे, अल्लाह सुबहान तआला ने एक एक लफ्ज के अंदर लाखों की जो करोड़ों ने 1400 साल पहले बता दी। अब कहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहू, 25 साल की रिसर्च करने के बाद एक साइंटिस्ट को पता चला कि शहद के कलर भी अलग अलग होते, और उसने जब देखा कि 1400 साल पहले इनके कुरान में ये बात लिखी हुई है, सोचा होगा ना मैंने तो जाया करा अपना 25 साल यहाँ पर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत में दो लफ्जों में वो सारी बात को क्लियर कर दिया कि वो जो शहद निकलता है वो मुख्तलिफ रंगों का होता है। अब ये सिर्फ ये शहद का मामला नहीं है, फिर उसके साथ वो नेक्टर वो जो होता है उसके जो वो होते हैं बजरे वो सब जो जीरे वो होते हैं वो, फिर रेजिन उसका जो वैक्स होता है वो सारी चीजों में काम आता है। अगर आप अगर किस कौन सी बीमारी थी वो शायद बीमारी हमें याद नहीं आ रही, अगर उस बीमारी में जो शहद का छत्ता है ना वो छत्ते समेत अगर वो शहद खा लिया जाए तो वो बीमारी खत्म हो जाती है। हम इंशाल्लाह बताएंगे आपको वो कौन सा है कि अगर छत्ते समेत वो शहद खा लिया जाएगा तो छत्ता भी उसका काम का है, वो जो उसके साथ वैक्स निकलता है वो भी उसका काम का है, वो पूरा जो उसका शहद होता है, शहद तो है ही, अल्लाह सुबहान तआला ने क्या फरमाया शहद के बारे में, शिफा लिन्नास। अल्लाह सुबहान तआला ने दो चीजों को अहादीस में शिफा कहा, एक कुरान को और एक शहद को। तो कुरान तो दिलों की शिफा है, दिलों के बीमारियों की शिफा है, और शहद जो है जिस्मानी बीमारियों की शिफा है। तो दोनों में क्या है, अल्लाह सुबहान तआला ने शिफा रख दी, बेशक इसमें भी निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। अभी सिर्फ हमने आपको इसका जिस्ट दिया है, ये शहद की मक्खी किस तरह से काम करती है, अगर आप इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा कि अल्लाह ने इतनी सी छोटी सी मक्खी के अंदर इतना बड़ा मौजूदा रख दिया है कि हम सोच नहीं सकते कि हमसे ज्यादा बेनिफिशियल तो उम्मत के लिए ये है। हमने क्या किया होगा लोगों के लिए जो ये कर रही, हमने सोचना चाहिए ना, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमारे तो काम ही यही नहीं खत्म होते, हम इसकी चुगली हम उसकी चुगली हम उसका ये रोना लेकर बैठे होते, हमने आज का कोई प्रोडक्टिव काम किया, हम किसी के काम आए, हमने किसी के लिए कुछ किया है जिससे, ये देखिए शहद की मक्खी छोटी सी मक्खी है जो अपनी जान मार रही है किसके लिए, हम लोगों को, उसका भी कोई भला नहीं है, तो हमारे लिए कर रही है सारा। ये अल्लाह सुबहान तआला ने शहद क्यों बनाया, कहा शिफाउन लिन्नास, कहा शिफाउन लिन्नहल, मक्खियों के लिए शिफा है, नहीं तुम्हारे लिए शिफा है, हमने तुम्हारे लिए इनको सारा काम पे लगाया। तो वो इतनी छोटी सी मक्खी तो इतनी उम्मत के लिए इतनी कारगर हो, और हम इतने बड़े जो अल्लाह का खा रहे हैं पी रहे हैं उस शहद को भी एंजॉय कर रहे हैं, वो अल्लाह के किसी दीन का ना काम करे ना लोगों के लिए कोई मतलब बेनिफिट। देखिए सबसे बेहतरीन जिंदगी उसी शख्स के लिए होती है जो अपने लिए भी बेनिफिशियल हो दूसरों के लिए ना जीना, तो फिर ऐसे दूसरे जानवर भी जी रहे हैं, वो भी आते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं और फिर एक दिन मरना होता है, सब चले जाते हैं,
अगर हम किसी और के काम नहीं आ सकते तो हमारा जीना क्या जीना है, और हम में और किसी और दूसरी मखलूकात में फर्क क्या है। वी आर अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ने कहा तुम अशरफ तरीन हो, और अल्लाह सुबहान तआला ने तुम्हें कैसा बनाया, अहसनी तकवीम, बेहतरीन साख पर तुम्हें पैदा किया, तुम्हें बेहतरीन बनाया, तुम्हें सारे मखलूक मौजूद मलाई कर दिया तुम्हें, इससे ज्यादा क्या लोगे कि तुम्हारे सामने फरिश्तों को सजदे करवा दिए। तो तुम्हारा तो रुतबा हमने इतना बड़ा कर दिया और तुम किसी के कोई काम नहीं आते। तो यहाँ पर एक छोटी सी मक्की, अगर उस पर गौर और फिक्र करें, हम इस पर तफक्कुर और तदब्बुर करें, तो वो कितनी बेनिफिशियल है हमारे लिए। वो अपने घर वालों को भी देख रही है, अपने मतलब छत्ते भी बना रही है, हमारे लिए खाना गिजा शिफा सब कुछ बना रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सारी बीमारियों की शिफा शायद के जरिए से बताई है ना। तिब्बे नबी की आप किताब उठाएं, और यूनानी जो दवाइयां होती है अक्सर शहद में बनती है, क्योंकि शहद क्या है, अल्लाह ने फरमा दिया इसकी शिफा, और जिस बात को अल्लाह फरमा दे कि वो शिफा है, तो बेशक उससे बेहतरीन शिफा किसी में हो नहीं सकती। और इसमें निशानियां हैं लोग फिक्र करने वाले। चलें रिपीट करें, क्योंकि अगर हम इस पे पैसों मुबाइसा करते रहे तो पूरा 2 घंटा शहद की मक्खी पर भी सर्फ हो जाए तो भी कम पड़ जाए। रिपीट कर ले बीमार है ना। प्यारी सूरह में निशानियां अल्लाह सुब्हान व तआला ने बताई है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब देखिए यहाँ पर एक और निशानी आ रही है, वल्लाहु खलकुकुम सुम्मा यतवफ्फाकुम वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरी लिकै ला यअलम बाद इल्मिन शैआ इन्नल्लाहा अलीमुन क़दीर, आयत नंबर 571। वल्लाहु फद्दल अबादकुम अला बादिन फिर रिज़्क فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ। ये पूरी कर लेंगे। वَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ। जाते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم والله اور اللہ خلقکم تم کو اس نے پیدا کیا ثم پھر يتوفاكم وہ تم کو وفات دے گا موت دے گا اور اللہ ہی ہے تخلیق کی اس نے تمہاری ثم پھر وہ وفات دے گا تم کو ومنکم اور تم میں سے من جو یرد وہ لوٹا دیے جاتے ہیں الى ارذل العمر एक बेकार मतलब रद्दी उम्र की तरफ लिखी इसलिए यता के ला यालमा नहीं वो इल्म रखते नहीं वो जानते बाद इल्मी इल्म के बाद शैअन कुछ भी इन अल्लाह बेशक अल्लाह अलीमुल कदीर बेशक अल्लाह जानने वाला कुदरत रखने वाला है और अल्लाह उसने पैदा किया तुमको फिर वो वफात देगा तुमको मौत देगा तुमको और तुम में से कुछ तो क्या होते हैं लौटा दिए जाते हैं रद्दी उम्र की तरह ताकि नहीं वो इल्म रखें बाद इल्म के कुछ भी बेशक अल्लाह जानने वाला है कुदरत रखने वाला है। आयत नंबर 71। वल्लाहु फद्दला बादुकुम अला बादिन फी रिज़्क और अल्लाह उसने फजीलत दी एक दूसरे को तरजीह दी एक दूसरे को क्या दिया एक्सेस दिया वल्लाहु और अल्लाह ने फजीलत दी बादुकुम तुम में से बास को अला बाजिन बास पर फी रिस्क इन रिस्क में फजीलत दी यानी तुम में एक दूसरे पर क्या किया रिस्क में एक दूसरे को फजीलत दी। फमल लजीना फिर मल लजीना जो वो लोग जो फुद्दिलु फजीलत दिए गए बिराद दी रिस्क हिम तो वो लौटा नहीं इसलिए कि वो लौटाए रिस्क हिम उनका रिस्क अला उन पर माँ जो मलकत मालिक हैं ऐमानुहुम उनके दाएं हाथ के यानी उनके सर्वेंट उनके गुलाम फहुम तो वो फी ही उसमें सवा उन बराबर हो जाएं अफ बि नियमतिल्लाही यजहदून अ क्या फ फिर बि नियमति अल्लाह बि नियमति नियमत से अल्लाह की फिर क्या फिर अल्लाह ही की नियमत से यजहदून वो सब मुजाहिदा करते हैं उसके बारे में झगड़ा करते हैं और अल्लाह उसने फजीलत दी तुम में से बास को बास पर रिस्क में फिर जो
वो लोग जिन्होंने जिन्हें फजीलत दी गई क्या वो लौटा देते हैं उनके रिस्क उनके दाएं हाथ के मिल्कियतों पर, यानी जो उनके गुलाम हैं उन पर हम तो वो फी ही उसमें बराबर हो जाएं, क्या फिर अल्लाह की नेमत को, क्या फिर अल्लाह की नेमत को वो सब क्या करते हैं, इज्तिहाद करते हैं अल्लाह की नेमतों से, वो सब झगड़े करते हैं। और अल्लाह वल्लाहु जअला लकुम, और अल्लाह उसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए पी अन मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी नफ्सों से तुम्हारी ही जानों से अजवाजन जोड़े, वजअला और बना दिया लकुम तुम्हारे लिए मिन अजवाजिकुम तुम्हारे जोड़ों से बनीना औलाद बेटे, वहफदतन और पोते बेटे और पोते, वरजकुम और रजक रिस्क दिया कुम तुमको मिन तय्यिबात पाकीजा चीजों में से, तय्यब चीजों में से, अफ बिल बातिली युमिनूना अ क्या फिर बिल बातिली बातिल पर युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, व बि नियमतिल्लाही व और बि नियमतिल्लाही अल्लाह की नियमत पर हम वो सब यकफुरून वो सब नाशुक्री करते हैं इनकार करते हैं। आयत नंबर 70, और अल्लाह उसने पैदा किया तुमको फिर वो वफा देगा तुमको और तुम में से कुछ तो क्या हो जाते हैं लौटा दिए जाते हैं ऐसी बुरी बदतरीन उम्र यानी रदी उम्र की तरफ, ताकि ना वो याद रखें इल्म के बाद कुछ भी, बेशक अल्लाह जानता है और कुदरत रखने वाला है इल्म रखने वाला है। अब अल्लाह सुबहान तआला ने क्या फरमाया कि हमने ही तुमको पैदा किया और हम ही तुमको वफात देंगे, यानी जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। फिर अल्लाह सुबहान तआला किसी को तो बचपन ही में मार देता है, किसी को पैदा होते ही मार देता है, कभी किसी की वफात माँ के पेटों में हो जाती है ना, कोई कोई तो ऐसा होता है कि वो वहीं पर वफात पा जाता है। कुछ को अल्लाह सुबहान तआला इतनी लंबी उम्र देते हैं कि वो उम्र उनके लिए एक वबाल बन जाती है, यानी कैसी उम्र, अर्जलित उम्र, यानी वो उम्र जिसमें इंसान पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए, वो उम्र जब उसको कुछ याद ना, यानी बुढ़ापा, इतना सख्त बुढ़ापा जिसमें वो सारी चीजें भूल जाए। अल्लाह ने उसको इतनी जिंदगी भर इल्म दिया ना, वो सारा, देखिए हम कहते हैं कि बड़ी उम्र क्या होती है, एक्सपीरियंस का खजाना होती है, यानी जितनी हमारी ज्यादा बड़ी उम्र होंगी उतने बड़े तजुर्बे हमारे पास होंगे, उतना ज्यादा हमारे पास इल्म होगा। इसीलिए तो हम बच्चों को कहते हैं ना कि तुम्हें अभी नहीं पता, तुम हमारी उम्र को जाओगे तो समझ में आएगा। तो यानी हम किस बिना पर कह रहे होते हैं, अपने इल्म के बिना पर कह रहे होते हैं कि ये चीज तुम्हारे लिए नुकसानदायक, ये ना करो ये ना करो ये करो ये ना करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, कुछ लोगों को तो हम ऐसी उम्र में लौटा देते हैं, कुछ लोगों को तो इतनी लंबी यानी बुढ़ापा देते हैं, ऐसी उम्र जो रद्दी उम्र, रद्दी उम्र यानी इंसान उसमें तरीके से दूसरों पर डिपेंड भी हो जाता है, फिर उसको सब कुछ याद, डिमेंशिया जैसी बीमारियां हो जाती है, अल्जाइमर जैसी बीमारियां, तो कुछ याद रहता ही नहीं है अल्लाह आला के, जिंदगी भर वो इल्म हासिल करते रहे, वो इल्म की बात नहीं हो रही है स्कूल जाने के इल्म की, यानी वो इल्म जो जिंदगी सिखाती है, वो तो सब कुछ सीखने के बाद अब इस उम्र में जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। तो अल्लाह सुबहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्र से पनाह मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे अर्जल उम्र, ये जो उम्र है जिसके अंदर इंसान दूसरों का क्या हो जाता है, दूसरों का मोहताज हो जाता है, जब सब कुछ भूल जाता है उसका मतलब डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा होती है कि बारहा ऐसा होता है कि वो अपना नाम तक नहीं याद करते, ऐसा भी हो जाता है ना कुछ, जब बहुत ज्यादा जयीफी, बच्चों को भूल जाते हैं, औलादों को भूल जाते हैं, अपना नाम भूल जाते हैं, तो वो मतलब अगर कहीं निकल जाए तो फिर वो रास्ता नहीं बता सकते, वो अपने घर नहीं लौट सकते। तो अल्लाह ने फरमाया कि इसको तो हम इतनी ऐसी उम्र पर पहुंचा देते हैं कि इतना इल्म होने के बाद भी कुछ नहीं जानते, यानी ऐसा भी अल्लाह सुब्हानहु ताला जिंदगी में एक वक्त लाते हैं। और सबसे बड़ा आलिम तो कौन है, अल्लाह है, बेशक अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह कुदरत रखने वाला है कि तुम्हें बचपन में या जवानी में या बुढ़ापे में या इस उम्र में क्या करे, इस उम्र तक पहुंचाए। तो अल्लाह सुब्हानहु ताला से पनाह मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें इस उम्र में ऐसी उम्र से पनाह में रख कि जिसमें हम दूसरों के मोहताज हो जाएं और जिसमें इल्म होने के बावजूद भी कोई इल्म ना रहे, ठीक है। तो यानी अल्लाह सुब्हानहु ताला आलिमों का आलिम है, अलीम सब कुछ जानने वाला, सब कुछ यानी कि कोई बंदा कितना भी इल्म हासिल कर ले अल्लाह सुब्हानहु ताला, फिर एक और वक्त ऐसा आता है कि उसे वो इल्म भी छीन लिया जाता है। वल्लाहु फद्दला बादुकुम अला बादिन फी रिस्किन, अब अल्लाह ने किसी को ज्यादा सामान, रिस्क का क्या मतलब है, खाना पीना सब चीज, एवरीथिंग,
है ना। अल्लाह सुबहान तआला ने किसी को इल्म ज्यादा दिया, किसी को माल ज्यादा दिया, कोई और स्किल ज्यादा दे दी, किसी को कोई हुनर दे दिया। हर चीज में अल्लाह सुबहान तआला ने हर किसी को मुख्तलिफ बनाया, किसी को ज्यादा किसी को कम, हर चीज में क्या किया, एक वो रखा ना ताकि दुनिया का निजाम चलता रहे। अगर ऐसा होता सारे के सारे अमीर हो जाते तो जो छोटे मोटे काम है, जो अब देखें हमारे घरों में मेड जो होती हैं वो आके हमारे घरों के बर्तन झाड़ू कर जाती हैं, अगर वो भी अमीर होती तो क्या कर लेती वो हमारे घरों में, कि भाई हम भी तो उतने ही मालदार हैं जितने तुम हो, तो क्या हम तुम्हारा काम कर लेंगे, कहते ही नहीं। तो अल्लाह ने दुनिया के निजाम को चलाने के लिए उन लोगों को क्या किया, ऊंचा नीचा रखा। तो क्या फरमाया कि हमने बास को बास में रिस्क पे फजीलत दी है, किसी को इल्म ज्यादा दिया, किसी को माल ज्यादा दिया। अब माल ज्यादा दिया तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, वो दूसरा जो जो अल्लाह ने जिनको इल्म ज्यादा दिया वो दूसरों को इल्म बांट सकते हैं। अगर सबको इक्वल कर दिया जाता तो दुनिया का निजाम ही नहीं चलता। वो अमल लजीना फुद्दिलू बिरादि रिज़्किहिम, तो अब जरा इस बात पर गौर करो कि जिनको अल्लाह ने ज्यादा माल दिया है तो क्या वो गरीबों को, यानी कि जो उनके मेड हैं उनको कह देते हैं कि लो हमारा आधा माल ले लो और हमारे बराबर हो जाओ, कोई नहीं कहता ना। तो तुम कैसे अल्लाह सुबहानहु तआला की जात पर वो इल्जाम लगाते हो, तुम अपने आप को यानी इन लकड़ी पत्थर के बुतों को अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा कर देते हो। एक गुलाम जो जिसको तुम अपने बराबर नहीं करना चाहते, तो वो मखलूक जो कि खालिक के बराबर कैसे हो सकती है। तुमने कह दिया ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे, नऊज़ु बिल्लाह। तुम कह रहे हो उज़ैर अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तुम कह रहे हो फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तुम लकड़ी पत्थर के बुतों को लाकर अल्लाह सुबहान तआला के बराबर खड़ा कर देते हो। तो जब तुम इतने, जबकि तुम दोनों क्या हो, तुम दोनों ही बशर हो, जो तुम्हारे गुलाम है, जो तुम्हारे घरों में काम करते हैं वो भी तुम्हारे बशर ही है ना, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। तो तुम तो कभी नहीं कहते कि भाई हमारी आधी दौलत ले लो और हम जैसे हो जाओ। तो जब तुम गुलामों के साथ अपने वो रवैया नहीं रख सकते तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि खालिक वो मखलूक के साथ शरीक हो जाएगा। तो तुम क्या अल्लाह ही सुबहान तआला की नेमतों के साथ झगड़े करते हो और तुम्हें कोई और बात सोचती नहीं है। जब तुम अपनी बराबर अपने गुलामों को नहीं कर सकते तो रब के मखलूक को खालिक के बराबर कैसे कर देते हो। वल्लाहु जअला लकुम फी अन्फुसिकुम अज़वाजन, और तुम्हारे रब ने तुम्हारी ही जानों से तुम्हारे जोड़े बनाए, यानी कि जैसे आदम अलैहि सलाम बनाया, फिर उनसे अम्मा हुआ को बनाया, फिर उनके बेटे औलादे बना दी, फिर उनके पोते पोतियां बना दी, और तुम सबको रिस्क दिया ताकि तुम खाओ पियो। अफबिल बातिली यूमिनूना वबी नेमतिल्लाही यकफुरून। तो ये सारी जो नेमतें हम सारी जब से जिक्र करते आते हैं, बस उन तमाम चीजों का ही तुमने क्या करना है, उनका कुफ्र करना है, और जो बातिल चीजें हैं बस उसी को तुम पर यकीन, उसी उन्हीं चीजों पर तुम्हें यकीन करना है। यानी कि जो बातिल, जो तुमने अपने अकीदे घड़ लिए हैं, वो चीजें जो कि जिसका कोई हक नहीं है, वो बातें तुमने घड़ ली हैं, उन पर तुम ईमान रखते हो और अल्लाह सुबहान तआला की इन तमाम नेमतों को भूल कर बैठे हुए हो। कुफ्र का मतलब अभी हमने पढ़ा था ना, नाशुक्री करें। हाँ, जब जब मौका मिलेगा। ठीक है, चलो रिपीट कर ले आए तो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 73। ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ويعبدون और يعبدون या वो सब इबादत इबादत करते हैं, वो सब इबादत करते हैं, मिन दून अल्लाह अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर, मा जो ला नहीं, यमलिकु वो मालिक है, लहुम उनके लिए या उनके रिस्कन रिस्क के, मिनस समावाती ना आसमानों से, वल अर्दी और ना जमीन से, शय अन कुछ भी, वला यस्तियून वह और ला नहीं या वो वानुसर इस्तेआत रखते, वो कोई कैपेसिटी भी नहीं रखते, और वो सब इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, उनकी जो नहीं वो सब मालिक हैं उनके लिए रिस्क के, ना आसमानों से और जमीन से, जमीन और आसमानों से रिस्क के मालिक नहीं है कुछ भी थोड़े से भी, वला यस्तियूना और ना ही वो कोई इस्तेआत रखते हैं। आयत नंबर 74। वला तदरिबु लिल्लाहिल अम्साल, फिर ला नहीं, तदरिबु ता तुम वावलिफ सब दरबा दो, है ना,
नहीं तुम सब दो लिल्लाही अल्लाह के लिए अल अमसाल मिसाले इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह यालमु वो इल्म रखता है वो जानता है वह अंतुम और तुम सब ला तालमून नहीं तुम सब इल्म रखते तुम सब नहीं जानते। यानी अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमा रहे हैं कि तुमने उन सब की इबादतें शुरू कर दी जो कि तुम्हारे ना आसमानों से और ना जमीन से रिस्क के कोई भी इख्तियार रखते हैं ना वो उसके मालिक है ना वो तुम्हें आसमानों से बरसने वाला रिस्क दे सकते हैं यानी पानी और जो भी आसमान से बरसता है जो भी अल्लाह सुबहान तआला से आसमानों से क्या बरसता है आसमानों से और क्या बरसता है रिस्क है ना क्या और आसमानों से क्या रिस्क मिलता है हमें बारिश मिलती है दैट्स ऑल बस हाँ तो हमको तो सब रिस्क पानी से मिल जाता है एंड अनदर थिंग और इसके अलावा सूरज की रोशनी आसमान से मिलते हैं चांद सितारे हमारे घरों में आकर बैठते हैं देखे चांद सितारों के अलावा अल्लाह सुबहान तआला की वही ऊपर से जितने भी खैर अल्लाह की रहमत सब आसमानों से आती हैं और अल्लाह ने कहा रिस्क ही डजंट से खाना अकल नहीं का रिस्क का तो हर वो चीज जो आसमानों से उतरती है हर वो चीज इसमें शामिल है कि अल्लाह सुबहान तआला ने तो आसमानों से बहुत कुछ नाजिल किया है तुम्हारे लिए खैर है रहमत है तुम्हारी कबूलियतें हैं तुम्हारे एक्सेप्टेंस है वो सब आसमानों से फरिश्ते ऊपर ही लेकर जाते हैं ना फिर ऊपर से बरकतें लेकर नीचे नुजूल होता है उनका वही भी ऊपर की तरफ से आती है तो सारा जो रिस्क आसमानों से नाजिल होता है और जो जमीन के अंदर से उगता है सब्जा वगैरह जो भी तुम खाते पीते हो तो ना वो आसमानों से किसी रिस्क के कायल वो है मालिक है और ना ही जमीन से किसी रिस्क के कायल है और तुमने इबादत उनकी शुरू कर दी है। यानी ये तो कितनी सख्त ना इंसाफी है कि कर कोई और रहा है और तुम क्रेडिट किसी और को दे रहे हो वला यस्ततियून और वो तो किसी भी चीज की इस्तेआत नहीं रखते वो तो अपने खुद के बारे में कोई इस्तेआत नहीं रखते तो तुम्हारी वो क्या मदद करेंगे। यानी एक अगर अकल और शऊर वाला शख्स हो तो वो सोचे ना कि वो रब जिसने सब कुछ दिया तुम्हें खाने पीने को से लेकर हर चीज का तुम्हारा मालिक है और तुम उसको छोड़कर किसी और को अपना क्या बनाकर बैठ गए हो माबूद बना लिया है तुमने तो अल्लाह के बारे में मिसालें बयान ना करते फिर और बंदों को चाहिए भी नहीं कि अल्लाह के बारे में मिसालें बयान करें बिकॉज अगर अल्लाह के बारे में मिसालें बयान करेंगे तो कैसे बयान करेंगे हम दुनिया की एग्जाम्पल्स देंगे ना कि ये ऐसा है वो वैसा है तो दुनिया से कहीं रिलेट ही नहीं होता हमारा रब अल्लाह वो खालिक है ये सारी मखलूक है और मखलूक और खालिक का कहाँ जोड़ है कि उसकी मिसाल उससे दी जाए। हाँ अगर हमने किसी को कोई मिसाल देनी होती है दुनिया वालों के देखो उनका बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है तुम भी अच्छा पढ़ा करो तो बच्चों की बच्चों से मिसाल दे रहे हैं ये तो मिसालें तुम जचती हैं कि हाँ भाई तुमने वो चीजें कंपेयर की हैं जो एक जैसी हो सकती हैं रब की मिसाल मखलूक से कहाँ से मिलाई जा सकती है तो खालिक है तो अल्लाह ने कहा कि मिसालें अल्लाह के बारे में ना दिया करो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कि तुम अल्लाह के बारे में मिसालें दे सको। हाँ अल्लाह जो मिसालें खुद अपने लिए बयान कर दे वो तो तुम कह सकते हो जो कुरान करीम में जैसे अल्लाह ने कहा उसके हाथ हैं उसका चेहरा है लेकिन हम नहीं जानते उसके हाथ कैसे बियदी कल खैर उसके हाथ में खैर है वजहिल्ला अल्लाह का चेहरा तो ये सारे हम नहीं जानते कि कैसा उसका चेहरा कैसे उसके हाथ हैं वो खुद जानता है कि उसके हाथ कैसे हैं हम दुनिया वाले से नहीं कह सकते कि हमारे जैसे हाथ है वैसे अल्लाह के नऊज़ुबिल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि मेरे अल्लाह के लिए मिसालें ना बयान करो बेशक अल्लाह को सारा कुछ इल्म है तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते तुम्हें कोई इल्म नहीं है। अल्लाह ضرب الله مثلا عبدا مملوكا आयत नंबर 75 ضرب الله अल्लाह मिसाल देता है مثلا عبدا मिसाल एक अब्द की एक बंदे की गुलाम की ममलूकन जो के जिस जो ममलूक है यानी कि जो गुलाम है एक शख्स जो के गुलाम है ला यकदिरु अला शय ला नहीं यकदिरु वो कुदरत रखता वो इख्तियार रखता अला शय किसी चीज पर एक बंदा है एक गुलाम है जिसको किसी चीज का इख्तियार नहीं है वमन रजक ना हो और एक और शख्स है मन जो रजक ना हो रिस्क दिया हमने ना हमने हो उसको मिलना हमारी तरफ से रिस्कन हसनन बेहतरीन रिस्क फहुआ युनफिकु मिनहु फिर हुआ वो युनफिकु वो इन्फाक करता है खर्च करता है मिनहु उससे सिरन वजहरन छुपकर भी और खुले आम भी हल यस्तवून क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं हल क्या या वो वाउन सब
इस्तवा बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ और शुक्र तो अल्लाह के लिए है। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सरुहुम उनमें से अक्सर ला यालमून, वो तो इल्म ही नहीं रखते, वो तो जानते ही नहीं है। अब अल्लाह ने यहाँ पर मिसाल बयान की, कहा कि पहले तो तुमने रब के साथ बड़ी नाइंसाफी की, इतना बड़ा जुल्म किया कि उसके बराबर लाकर लोगों को खड़ा कर दिया, उन लोगों को जो ना तुम्हें आसमान से और ना तुम्हें जमीन से रिस्क देने पर कुछ कुदरत रखते हैं। तो अल्लाह के लिए तुम पर जेब नहीं देता कि अल्लाह के लिए मिसालें बयान करूँ। हाँ, अल्लाह चाहे जो मिसाल बयान करे, तो अल्लाह एक मिसाल बयान करता है एक ऐसे गुलाम की, एक ऐसे अब्द की जो के बिल्कुल बे इख्तियार है, उसके पास किसी भी चीज का इख्तियार है ही नहीं, और एक ऐसा गुलाम जिसको अल्लाह सुबहानहू तआला ने रिस्क दिया और वो इस रिस्क में से खुले और ढके छुपे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। फिर से रिस्क आ गया, रिस्क यानी माल, एवरीथिंग जो उसको अल्लाह ने अता किया, तो वो उसमें से क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। किसी के पास इल्म है, किसी के पास माल है, किसी के पास वक्त है, किसी के पास खैर ख्वाही है, किसी के पास अच्छे अल्फाज है जिससे वो लोगों के दिलों को जोड़ सकता है, तो वो सारा का सारा रिस्क में आता है। तो वो बंदा जिसको हमने रिस्क दिया, तो वो खर्च कर रहा है सुबह, मतलब ढके छुपे और खुले में भी वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो वो एक शख्स जिससे किसी को कोई खैर नहीं पहुंचती, और वो एक शख्स जो दिन रात खर्च कर रहा है, वो बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। फिर अल्लाह एक और मिसाल देता है, बल्कि सारी तमाम तारीफ और शुक्र तो अल्लाह ही के लिए है, यानी कि वो जो तुम जिसको माबूद बनाकर बैठ गए हो, वो किसी तारीफ और शुक्र के काबिल नहीं है। वो रब जिसने तुम्हें रिस्क दिया है, वो रब जिसने तुम्हें, अब कितनी सारी निशानियां हम पढ़ चुके हैं ना, नहल पढ़ ली हमने, मक्खी के बारे में पढ़ा कि वो तुम्हारे शिफाउल लिन्नास, लोगों के लिए हमने उसको शिफा बनाया। फिर अल्लाह ने कहा मवेशियों को तो देखो, उसके गोबर और उसके बीच में से हम तुम्हारे लिए शफाफ दूध निकाल रहे हैं, और तुम्हें पसंद आता है वो दूध। अगर तुम ये सोचने बैठे हो रहे तो गोबर से निकला रही है तो खून के दरमियान से निकला, लेकिन हमने उसको ऐसा शफाफ बनाया कि लोगों के दिल उसकी तरफ मरगूब होते, रगबत होती है उससे। फिर इतनी सारी चीजें हमने तुम्हें रिस्क में अता की। फिर इल्म का जिक्र बताया कि हमने तो इल्म दिया, फिर एक बुढ़ापे को जाके उससे इल्म भी छीन लिया, वो अर्जलील उम्र को पहुंचा तो क्या किया हमने, उससे इल्म भी छीन लिया, तो वो इल्म भी हमारा दिया हुआ रिस्क है। तो ये सारी चीजें रिस्क तुम्हारे रब ने तुम्हें दी है, और तुम शुक्र और उस तारीफ पे तुम दूसरों की करते फिरते हो। तुम्हें अकल नहीं है क्या? तुम सुनते नहीं हो क्या? तुम गौर और फिक्र नहीं करते? अफला तदब्बरून, अफला तदक्करून, अफला यालमून, अफला याकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं, क्या तुम्हें इल्म नहीं है, क्या तुम गौर और फिक्र नहीं करते, क्या तुम तफक्कुर तदब्बुर नहीं करते, क्या तुम्हारे कान नहीं खुले कि तुम सुनो और इस बातों पर गौर और फिक्र करो? ये तमाम तारीफ और शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ शुक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है, बल्कि अक्सर लोग तो ये बातों को जानते ही, जानते क्यों नहीं है, जानते सब है लेकिन गौर और फिक्र नहीं करते उसके ऊपर, अपने अपने जहनों को मरकूज नहीं करते, तो फिर उस चीज से हल नहीं निकाल पाते ना। फिर अल्लाह एक और मिसाल बयान करता है, وضرب الله مثلا رجلين وضرب الله اور مثال بیان کرتا ہے اللہ مثلا مثال رجلین عینی دو رجل مرد رجلین دو مردوں کی احدہما ان دونوں میں سے ایک احد ایک ہما ان دونوں میں سے ایک اب کم گنگا ہے لا یقدر علی شیء نہیں یا وہ قدرہ قدرت رکھتا नहीं वो इख्तियार रखता कुदरत रखता आला शैकी किसी भी चीज पर उसके अंदर कोई कुदरत ही नहीं है वो हुआ और वो और हुआ वो कल्ला वो बोझ है कल्ला बोझ है आला मुलाहू उसके मालिक पर वो बोझ बना हुआ है अइनमा युवज्जिहू अइनमा जहां कहीं युवज्जिहू वो उसे भेजता है ला याति बिखैर नहीं वो लाता कोई खैर याति भी लाता याति आता और याति भी लाता नहीं लाता कोई खैर वो कोई उससे खैर की तवक्का ही नहीं हो सकती बिकॉज गूंगा है ना क्या कर लेगा और कोई इख्तियार भी नहीं उसके पास हल यस्तवी हुआ हल क्या यस्तवी वो बराबर हो जाएगा हुआ उसके व मन या मुरु बिल अदल व और मन जो या मुरु वो हुक्म देता है बिल अदल इंसाफ का वह हुआ अला सिरात मुस्तकीम और वो हो सीधे रास्ते पर। अल्लाह सुबहानहु तआला ने बड़ी सारी मिसाल बयान की
खैर को नहीं लाता किसी खैर को, ही डजंट कम अधिकार लाने। एक मिसाल बयान की, और मिसाल बयान और देता है या बयान करता है अल्लाह एक मिसाल दो मर्दों की, दो आदमियों की, उनमें से एक गूंगा है, ला यकदिरा नहीं वो कुदरत, ला यकदिरु नहीं वो कुदरत रखता, इख्तियार रखता अला शय पर, वह हुआ और वो क्या है कल्ला, वो बोझ है अला मौलाहू अपने मालिक पर, उसके मालिक पर, ऐनामा युवज्जिहु जहां कहीं वो वज्जी वज यानी चेहरा जिस रख जिस से इसका रुख कर दिया जाए, ऐनामा जहां कहीं युवज्जी को भेज दिया जाए हु उसको, ला याती भी ला नहीं याती भी लाता, he doesn't bring any खैर, ठीक है, नहीं वो याती भी लाता खैरन कोई खैर, हल यस्तवी क्या वो बराबर हो जाएगा हुआ उसके, वमन यामुलू और वो जो शख्स हुक्म देता है अदल का, वहुआ अला सिरात मुस्तकीम और वो शख्स अला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर है। एक तो मिसाल यहाँ पर ये बयान की कि जिसको अल्लाह सुबहान तआला ने कोई इख्तियार नहीं दिया, और एक शख्स जिसको अल्लाह सुबहान तआला ने रिस्क दिया है वो अल्लाह की राह में दिनों रात खुले और छुपे और ढक कर क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक को अल्लाह सुबहान तआला ने एक और मिसाल दी कि दो मर्द हैं, एक है बिल्कुल गूंगा, और गूंगा कैसा कि उससे कभी वो अपने मालिक पर ऐसा बोझ बनकर बैठा है कि खा रहा है पी रहा है सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो जब उसको कहीं पर भेजता है तो वो कोई खैर कलेक्ट करके नहीं लाता, मतलब उससे किसी भी किस्म का उसके मालिक को फायदा भी नहीं है, बस वो क्या कर रहा है उसके ऊपर एक बोझ बन गया क्योंकि खाना पिलाना सब कुछ करना उसको है और उसके मालिक के लिए वो किसी भी नफे का बास नहीं बनता। दूसरा एक शख्स है कि जिसको अल्लाह सुबहानहु ताला ने क्या एक दूसरा वो शख्स है जो अपने जबान का इस्तेमाल करता है अदल के लिए, वो सीधे रास्ते पर है, तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं। अब ये अल्लाह सुबहानहु ताला किसकी मिसाल बयान कर रहे हैं, एक वो बंदा है जिसको अल्लाह सुबहानहु ताला ने हिदायत के रास्ते दिखाए सब कुछ बता दिया, अब वो गूंगा बन के ऐसे फिरता है जैसे कि उसके पास हिदायत आई नहीं और वो कोई खैर का कलमा कहता ही नहीं, उसकी जबान से सिर्फ और सिर्फ फजूलियात निकलती हैं, उसके जबान से सिर्फ कुफ्र निकलता है उसकी जबान, अब ये कुफ्र और हर वो चीज जो कि अल्लाह सुबहान तआला के दीन को गालिब करने में अगर हमारी जबानें इस्तेमाल नहीं हो रही तो हमारी जबानें फजूलियात में इस्तेमाल हो रही, समझ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब कमुन गूंगा, असल में देखें वो जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं अल्लाह ने क्या फरमाया और फिर वो दुनिया में ना पढ़े तो कैसे उठाए जाएंगे, अंधे उठाए जाएंगे ना, आंखें तो थी ना उनके पास, क्यों अंधे उठाए गए, कि तुमको दिया गया था तुम क्यों नहीं उस चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे, अल्लाह ने तुमको जबान दी उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो तुम, अल्लाह ने इस जबान को अल्लाह ने क्या कहा और रहमान अल्लमल कुरान अल्लमहुल बयान, इस कुरान को बयान करने के लिए जबान दी है, तुम्हें चुगलियां करने के लिए और गॉसिप करने के लिए और इसकी उसकी लगाने के लिए चस्के लेने के लिए जबान नहीं दी गई है, इस जबान को तुम्हें कुरान बयान करने के लिए हमने अता किया है, वरना हम चाहते तो किसी जानवर को दे देते वो जबान, वो कर लेता हमारा काम, हमने अशरफुल मखलूकात इंसानों को क्यों दिया ये काम, ये जबान क्यों दी, बाकी भी तो और जानदार है ना, क्या वो हमारी तरह बातें करते हैं, इस इंसान को क्या कहा जाता है हैवान नातिक, जबान वाला हैवान, वो इंसान वो हैवान जिसको अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी है, जिसको बोलने की ताकत दी है, और जानवरों में नहीं है ये ताकत, तो अल्लाह ने ये जबान क्यों दी, अल्लमहुल बयान, ताकि और रहमान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, और अल्लाह सुबहानहु ताला ने ये जबान दी है ताकि तुम कुरान के करीम को बयान करो, ठीक है। तो अब ये इंशाल्लाह जब सूरह रहमान आएगी तो इसको बड़ी अच्छी डिटेल हम लोग करेंगे, अब यहाँ पर इंशाल्लाह अल्लाह सुबहानहु ताला के हाथ में सब कुछ है बेशक, हाँ हाँ आएगी क्यों नहीं आएगी, खैर अल्लाह से हमेशा खैर की तवक्कुल रखना चाहिए, बेहतरीन उम्मीद पर अल्लाह सुभान व तआला, क्या पता वो निकल जाता है, ठीक है। तो अल्लाह सुभान व तआला ने क्या फरमाया, एक वो शख्स जिसके पास खैर का इल्म आता है और वो गूंगा बनकर बैठ जाता है, वो अपनी जबान को बंद कर लेता है, लोगों तक खैर नहीं पहुंचाता, तो वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर सिर्फ बोझ है,
वो तो सिर्फ उसका रिस्क खाता है, मजा करता है, दंदनाता है, बस खाता है, पीता है, सोता है, बस उसका और कुछ काम नहीं है। वो कल अलम, ये मौला, ये अल्लाह इस दुनिया की मिसाल दे रहा है, लेकिन वो अपने बारे में बता रहा है, तुम अपने रब पर बोझ बनकर बैठे हो, तुम्हें इस काम के लिए नहीं भेजा गया है, दुनिया में मजे करने नहीं भेजा है हमने तुमने, हमने जो कुरान तुमको दिया है इसकी जिम्मेदारी देकर भेजिए, अगर तुम इसका हक अदा नहीं करते तो तुम अपने रब पर बोझ हो। अइनमा युवज्जी ला याति बि खैर, इसको जहां कहीं भी भेज दो ये कोई खैर नहीं लाएगा, ना अपने रब के दीन को गालिब करने की कोई कोशिश करेगा, ना किसी किस्म की खैर उससे दीन को मिलेगी। और एक शख्स है जो कि अपनी जबान का इस्तेमाल अदल के लिए करता है, अदल यानी इस कुरान करीम को बयान करने के लिए करता है, और वो सिराते मुस्तकीम है पर है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। वलिल्लाहि गैबु समावाती वल अर्दी, और अल्लाह के लिए आसमान और जमीन के गैब यानी पोशीदा चीजें हैं। वमा अमरु साअति इल्ला कलम हिल बसरी अव हुवा अक़रब इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। वमा अमरु साअ, और वह और मा जो नहीं, अमरु साअ कयामत का हुक्म, कयामत का जो घड़ी, कयामत की घड़ी, मामला कयामत का मामला, इल्ला सिवाय कल लम हिल बसर का, जैसे के लम हिल बसर पलक झपकने के बराबर है, आंखों को झपकने यानी पलक झपकने के बराबर है, औ हुआ अकरब या वो उससे भी ज्यादा करीब आ लगा हो, क्या वो उससे भी ज्यादा करीब आ गई हो कयामत। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह सुबहान व तआला क्या फरमा रहे, तुम समझ बैठे हो कि कयामत अभी बहुत दूर पड़ी है, क्या तुम्हारी मौत की घड़ियां तुमसे करीब नहीं आ लगी, क्या तुम्हें ये खबर नहीं कि कभी भी आंख झपकते ही तुम्हारी मौत आ जाएगी, तुम्हें अगले पल की खबर नहीं है कि तुम किसी खैर की जगह किसी शर में मुब्तिला और अल्लाह तुम्हारी रूहें कब्ज कर ले, तो तुम्हारी क्या पता वो पलक झपकने से भी ज्यादा करीब आ लगी हो। अल्लाह सुबहान तआला हमें इस हाल में अपने पास बुलाए कि हम उसके खैर में खैर बांट रहे हो और अल्लाह सुबहान तआला के दीन का काम कर रहे हो। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो तो कभी भी किसी भी वक्त में मौत देने पर और खुद ये असा यानी कयामत लाने पर कुदरत रखता है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, वल्लाहु और अल्लाह अखरजकुम निकालता है कुम तुमको मिन बुतूनी उम्महातिकुम, मिन से बुतून पेटों से, वूम से, उम्महातिकुम तुम्हारी माओ के, ला तअलमून शैआ ला नहीं ता तुम, वावनुन सब आइन लामिम इल्म रखते शैआ कुछ भी, व जअला लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफीदा, वह और जाला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अस्समा सुकान वल अबसारा और आंखें, वल अफीदा और दिल, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम सब शुक्रगुजार हो जाओ। अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमा रहे हैं के और अल्लाह ही ने, आयत नंबर 78, और अल्लाह ने तुम्हारे माओ के पेटों से तुम्हें सबको निकाला, और उसके बाद और क्या एहसान किया कि उस वक्त जबकि तुम अपने माओ के बुतून में थे, उनके वूम्स में थे, उनके रहमों में थे, कुछ इल्म नहीं था तुम्हें, बिल्कुल ला इल्म तुम उसके बतन में थे, वजअला लकुम अस्समअ वल अबसारा वल अफीदा, फिर तुम्हारे लिए तीन हिदायत के रास्ते बना दिए, कौन से, तुम्हारे कान बना दिए, तुम्हारी आंखें बना दी, तुम्हारे दिल बना दिए, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ कि अल्लाह सुब रब्बुल इज्जत ने हमें ये नेमतें अता की जिसके जरिए से हम अला सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो सकते हैं। जो अल्लाह सुबहान तआला ने ये सारी चीजें ना सिर्फ दुनिया की मजे लूटने के लिए नहीं दी गई, किसके लिए दी गई है, ताकि हम हिदायत पा सके, ये रास्ते हैं हिदायत हासिल करने के, यही तरीके, यही अल्लाह सुबहान तआला अभी कहा ना अफला यस्माउन, क्या वो सुनते नहीं है, तो सुनने का काम क्या है, खैर को सुने, खैर को बोले, खैर को देखें, खैर को ही जज्ब करें अपने दिलों में। ठीक है, कुछ मुफसरीन ने इसका अफ़ीदा का तर्जुमा अक्ल लिया है, ठीक है, खैर, लेकिन अफ़ीदा का तर्जुमा फुआद से दिल ही होता है, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ अल्लाह की इन नियमतों पर। अलम यरो इला तैरी मुसख्खरातिन फि जव्वि समा मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह इन्ना फि ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। अलम आ क्या लम नहीं तरा यरो या वो वावलिक सब रा देखते, क्या वो सब नहीं देखते, क्या है आयत नंबर 79, क्या वो सब नहीं देखते, इला तोयरी परिंदे की तरह, परिंदों की तरह, मुसख्खरातिन वो मसखर कर दिए गए हैं, ताबे कर दिए गए हैं, फिर जव्वे समाई आसमान की हवाओं में, फिजा में, फिजा में, ठीक है, हवा नहीं, फिजा, आसमान की फिजाओं में,
मा युमसिकु हुन्ना इल्लल्लाह, मा नहीं, युमसिकु मसका यानी थामता, हुन्ना उनको, उन परिंदों को, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, इन्ना फी जालिका ला आयातिन, इन्ना बेशक फी जालिका इसमें ला आयातिन अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौम युमिनून ईमान लाने वाले कौम के लिए। अल्लाह सुबहान तआला ने अभी मवेशियों के बारे में कहा कि तुम्हारे लिए क्या है, इन्ना फिल अनआमिल इबरा, तुम्हारे लिए अनआम में, मवेशियों में भी क्या है, इबरत है। फिर उसमें एग्जाम्पल दिया बुतून उसका दूध का, लबनन खालिसन साहिगन लिशारिबीन, वो पीने वालों के लिए क्या है, खुशगवार है दूध। अब यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला इन परिंदों की मिसाल दे रहा है कि देखो वो परिंदे जो आसमानों में उड़ते फिरते हैं, क्या तुमने उनको जमीन आसमानों में थामे रखा है? नहीं, अल्लाह ही है जिसने उनको आसमानों में थामा हुआ है। इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन लिकौमिन युमिनून, बेशक ईमान लाने वालों के लिए इसमें भी निशानियां हैं। तो ऊंचाई पर उड़ लेना कोई अशरफुल मखलूकात की कोई तरक्की नहीं, परिंदे भी उड़ते हैं, समंदरों में तैर लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको स्विमिंग आती है बहुत बड़ा काम हो गया, नहीं, आसमानों में उड़ते हवाई जहाज उड़ाते कोई बड़ा काम नहीं है। अल्लाह सुबहान तआला ये तो परिंदे भी कर रहे हैं, वो जो आसमान जो गोता खा रहे हैं, गोता जन हो रहे हैं, वो तो मछलियां भी कर रही हैं। तुम्हें तो किसी और काम के लिए पैदा किया गया है, तो जो सी डाइ वो करना है, आसमान सी डाइविंग कर रहे हैं और हवाओं में उड़ रहे हैं, तो ये तो दूसरी मखलूकात भी करती हैं। एक तुम्हारे लिए जो दिया गया है, ये तमाम चीजें दी गई हैं ताकि तुम इसका इस्तेमाल करके सिराते मुस्तकीम पर आओ और इस काम को असर अंजाम दो। ये काम के लिए तुम्हें पैदा किया, और ये काम तमाम मखलूकात से आला तरीन काम, समझ रहे हैं? ये खैर का मामला जो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, खैर को पहुंचाना, लोगों को बुराइयों से रोकना, इस काम के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। ये काम तो दूसरे परिंदे और मछलियां और जानवर सब कर रहे हैं, तो तुम उन्हीं के जैसे काम करो तो तुम्हारी कौन सी बड़ी इसमें वो है, तो वो भी कर रहे हैं तुम भी कर रहे हो, तो इसमें कोई बड़ा आला जरफी नहीं। आला जरफी और अशरफुल मखलूक मखलूक होने का इसमें मतलब अशरफुल मखलूकात को तुम कैसे प्रेजेंट करोगे, ये होना तुम्हारे लिए एक जो नुतक दी है, ये तुम्हें जो जबान दी है उसका इस्तेमाल खैर को बांटने में, या मुरू बिल अदल, तुम इस अदल को, इस कुरान को लोगों तक पहुंचाओ, और ताकि तुम भी नसीहत पा सको और दूसरे तुमसे मुस्तफीद हो सके। क्योंकि अभी हमने देखा ना चैत की मक्खी कितना अपनी जान मार रही है हमारे लिए, और अल्लाह ने सारा उससे काम ले लिया, और फिर क्या कहा कि शिफाउन लिन्नास, लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए हमने उसको शिफा बनाया, उसके खुद के लिए भी उसको नहीं बनाया शिफा, बल्कि वो तुम्हारे लिए काम कर रही है। तो वो एक शहद की मक्खी तो तुम्हारे लिए काम कर रही है, वो इतनी खैर ख्वाही का काम उम्मत के लिए कर रही है, और तुम अशरफुल मखलूकात होकर उम्मत के लिए कोई खैर ना पहुंचाओ, तो तुम्हारा जीना किस काम का? यानी हमारा तो फिर मर जाना बेहतर है कि अगर हम दूसरों को कोई खैर ना पहुंचा सके, तो फिर हमारा जीना और उनके जीने में तो वो हमसे आगे निकल गए, तो वो तो कितनी खैर बांट रही हैं, उनसे उनसे शहद निकल रहा है, उनसे शिफा मिल रही है, उनके जरिए से वैक्स मिल रहा है, उनके जरिए से बीमारियां दूर हो रही हैं, उनके जरिए से हमें दुनिया के सिस्टम, उनके जरिए से हमें टाइम मैनेजमेंट पता चल रहा है, उनके जरिए से ऑर्गेनाइजेशन, उनके जरिए से टीम वर्क करना पता चल रहा है। वो एक छोटी सी मक्खी तो इतनी हिदायत वाले काम कर रही है, वो लोगों को खैर ख्वाही, वो इतना, और जबकि उसको जबान नहीं अता की, और तुम्हें जबान भी अता की तब भी तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते खैर ख्वाही के लिए। तो बस ये चीजों पर गौर व फिक्र करना है, मुवाजना करना है, ये सारी चीजों का अल्लाह सुभान व तआला बयान करने का मकसद ही ये है कि बंदा अपने आप को कंपेयर कर ले कि मैं किस दर्जे में खड़ा हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ, क्या मैं इन जानवरों से भी बदतर तो नहीं, या मैं फरिश्तों, देखिए एक बंदा अगर खैर खाई करे तो फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है, वो मस्जूद मलाइक होता है, यानी फरिश्ते उसको सजदा कर रहे हैं, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करवा दिया फरिश्तों को, क्यों? क्योंकि अल्लाह सुबहानो ताला एक रूह रब्बानी है हमारे, अल्लाह सुबहानो ताला की रूह फूकी हुई है उसमें, उन के जरिए से हमें पैदा किया गया, और फिर भी वो काम ना हो जो कि आसमानी है, यानी अल्लाह सुबहानो ताला ने हमें जिस काम के लिए पैदा किया है, हमें जरूरी है कि हम उसको पहचाने, अपने जिंदगी का मकसद जाने, और फिर वो खैर ख्वाही के काम करें। क्योंकि अगर हम अपने जिंदगी का मकसद, एक विजन लेकर नहीं चलेंगे, तो हमारा जीना फिर दूसरे मखलूकात के जीने के बिल्कुल मुतरादिफ है, बल्कि हम तो फिर उससे भी ज्यादा क्या हो जाते हैं, बदतर हो जाते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं ना कि जो एक शैतान होता है, एक इंसान होता है, एक फरिश्ता होता है। शैतान का काम क्या है? गुनाह करता है, फिर उस पर अड़ जाता है,
फरिश्ते का काम क्या होता है, उससे तो गुनाह ही सरजद नहीं होता है। इंसान का क्या काम क्या होता है, अगर उसे गुनाह हो जाए तो फिर वो फौरन से अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ बढ़ता है, तो और बढ़ते बढ़ते वो फरिश्तों से भी आला दर्जा पा लेता है, और अगर वो ना बढ़े तो वो शैतान या जानवरों से भी बदतर होता है। तो हमने देखना है कि क्या हम जानवरों से बदतर हैं या हम फरिश्तों से अफजल हैं। अगर फरिश्तों देखें, फिर रूहें जो होती है ना, फिर वो रूहें जो कि खैर बांटने वाली होती है, वो फरिश्तों की सफों में जगह पाती। वो जो इबलीस था वो फरिश्तों की सफों में कैसे जगह मिली थी, खैर बांट रहा था ना, जब तक खैर का बांटता रहा जब तक तो सही रहा, फिर उसके बाद जब उसने नड़ गया ना अपनी उस पे, इसरार कर लिया अपने गुनाह पर, तब से फिर वो वहां से भी निकल कर बदतरीन लोगों में शामिल कर दिया। अल्लाह सुबहाना ताला हमें खैर बांटने वाला और इस जबान का कुरान को बयान करने में इस्तेमाल करने वाला बनाए। बारक अल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अल अजीम व नफानी व इयाकुम बिज़िक्री व आयातिल हकीम। सुभान अल्लाहि व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے، اے اللہ ہمارے اخلاق قرآن کے ذریعے سے سوار دے، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ ہر پریشانی ہر غم سے، یا اللہ قبر سے، حشر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب عطا فرما. اللہم اغفر لنا بالقرآن، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اس قرآن کے ذریعے. اللہم ارحمنا بالقرآن، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرما. اللہم اهدنا بالقرآن، اے اللہ اس قرآن سے ہمیں ہدایت نصیب عطا فرما. اللہم ارزقنا بالقرآن، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے رزق میں وسعت نصیب عطا فرما. اللہم ارزقنی یتفکر و تدبر بما یتلوه لسانی من کتابک، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، جو کتاب اس کتاب میں سے ہماری زبان پڑتی ہے اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم کتابک و والفهم له والمعرفة بمعانيه، اے اللہ اس کا فہم اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما. والمعرفة بمعانيه اور اس کے معنوں کی معرفت، ان کے معنوں کی پہچان کروا. والنظر فی عجائبه، اے اللہ اس کے جو عجائب ہیں، جو اس کے میریکلز ہیں، جو اس کے تو نے اس کے اندر جو معجزات چھپا رکھے ہیں، یا اللہ اس کی پہچان کروا اور اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے. والعمل بذلک ما بقیت، اور اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب تک ہم باقی ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے رہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری قبروں کی وحشت کو انس میں بدل دے، اے اللہ اس قبروں کی وحشت کو دور فرما دے. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن عظیم کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما. واجعله لی اماما و نورا و ہدا و رحما، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، ہمارا لیڈر بنا دے. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارے بدن کے تمام اعضاء کو اس کے ذریعے سے نورانی فرما دے. و ہدا و رحما، اے اللہ اس قرآن کو ہماری زندگی اور ہماری اولاد کی زندگیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے رحمت کا سر چشمہ بنا دے. واجعله لی اماما و نورا و ہدا و رحما، اللہم ذکرنی منہ ما نسیتم، اے اللہ مجھے اس قرآن میں سے وہ نصیحتیں یاد دلا جس کو میں کبھی نہ بھولوں. ورزقنی تلاوتہ آنا اللیلی و آنا النہاری و علمنی منہ ما جہلتم، اے اللہ وہ تعلیم اس قرآن کے ذریعے سے مجھے عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما، جس کے بعد کوئی جہالت نہ ہو. اے اللہ ہمیں اس قرآن کو ہمارے لیے علم کا سر چشمہ بنا دے. ورزقنی تلاوتہ آنا اللیلی و آنا النہاری، اے اللہ اس قرآن کو ہمیں صبح و شام، دن اور رات پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری ذریت کو بھی اس سے جوڑ دے، انہیں بھی اس کی تلاوت کرنے کی، اس کے معنوں کو سمجھنے کی اور اس کو خیر کی طرح بانٹنے کی توفیق عطا فرما. واجعله لی حجتا یا رب العالمین، یا اللہ تو فرماتا ہے کہ القرآن حجت لک و علیک،
अल्लाह तूने फरमाया कुरान हमारे हक में या हमारे खिलाफ हुज्जत बनेगा, तो या अल्लाह इस कुरान को हमारे हक में हुज्जत बना देना। जब कुरान तुझसे झगड़ रहा हो कि या अल्लाह इनको जन्नत के जहन्नम में दाखिला नसीब अता फरमा दे, तो अल्लाह हमें इसके जरिए से जन्नत में दाखिला नसीब अता फरमा देना, इसको हमारे लिए हुज्जत बना देना, इसको हमारे हक में लड़ने वाला बना देना। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासियती बियदिक, ए अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे बंदों के बंदे हैं, तेरे बंदों की औलाद हैं, तेरी तेरे उन बंदियों की औलाद हैं जो जो कि हमारी माएँ हैं और जो कि हमारे वालिद हैं। ए अल्लाह हमारी पेशानी तेरे हाथ में है, यानी हमारी तकदीरें तेरे हाथ में है। मा दिन फी हुक्मिक, ए अल्लाह तेरे हुक्म से हमारे फैसले सवरते हैं, या अल्लाह हुक्म से तेरे हमारी कदरें सवरती हैं। अदलुन फी कदाएक, या अल्लाह तेरे हाथ में इंसाफ है, या अल्लाह तेरे हाथ में हमारा फैसला है, या अल्लाह तेरे हाथ में हमारी तकदीरें हैं। अस'अलुका बिकुल्ली इस्मिन हुवा लक, ए अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं हर उस नाम के जरिए से जो तेरे तेरे हैं। अल्लाह समय तभी नफ तक, ए अल्लाह जो तूने अपने लिए नाम पसंद किए हैं, हर उस नाम के जरिए से हम तुझसे उस खैर का सवाल करते हैं। और अनजलता फी किताबिक, या तूने वो नाम जो के अपनी किताब में नाजिल फरमा लिए हैं उनके जरिए से हम सवाल करते हैं। और अल्लम तहु अहदन फी खल्किक, या तूने किसी बंदे को जो कि हमसे पोशीदा है उनको सिखा दिए हैं, उन नामों के जरिए से तुझसे सवाल करते हैं। अविस्ता असर तभी फी इल्मिल गैब इंदक, या वो नाम जो कि तूने इल्मे गैब में अपने पास संभाल रखे हैं, हर उस नाम के जरिए से या रब हम तुझसे सवाल करते हैं। अंतज अल कुरान और रबिया कल्बी, ए रब इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे। ए रब हर उस नाम के जरिए से इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे। ए अल्लाह इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे। नूर नूर फी सदरी, ए अल्लाह हमारे दिलों का हमारे सीनों का नूर इस कुरान को बना दे। वजला हम्मी वजहाबा हम्मी व गम्मी, ए अल्लाह हमारे गमों को दूर करने का जरिया बना दे। ए अल्लाह हमें हमारी परेशानियों को दूर करने का जरिया बना दे। ए अल्लाह हमारे दिलों के जिला बख्श दे। ए रब इस कुरान के जरिए से हमारे मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्श दे। ए अल्लाह इस कुरान के जरिए से हमारे दिलों को हयात जाविदा बख्श दे। ए अल्लाह कयामत तक हम इस कुरान पर अमल करते रहें। ए अल्लाह जब हम उठें तब भी तेरे कुरान के नगमे हमारी जबान पर हो। ए अल्लाह इस कुरान को हमें पढ़ने वाला, इस पर इसको समझने वाला, इस पर अमल करने वाला, इसको दूसरों तक बांटने वाला, इसकी तबलीग करने वाला, इसका हर हक अदा करने वाला हमें भी बना, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को और हर मुसलमान को, हर मोमिन और मोमिनात की जबान से इस खैर का या अल्लाह बोल बाला कर दे, इसका चर्चा आम कर दे। या अल्लाह तो अपने कुरान की तालीम को सारी दुनिया में आम कर दे। या अल्लाह इसके जरिए से हमें हुक्म और फैसला करने की तौफीक अता फरमा। इस कुरान के जरिए से हमें अदल और इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी जिंदगियों के हर कानून में, या अल्लाह हमारी जिंदगियों के हर लम्हे में इस कुरान को शामिल फरमा दे। ए अल्लाह इसको हम पढ़ते हैं, या अल्लाह इसको समझने की तुमने तौफीक अता फरमाई है, अब इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा देना। इस खैर को मरते दम तक हमारे हमसे ना छीनना। या अल्लाह इस पर इस्तकामत अता फरमा देना, इस पर जमाव अता फरमा देना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुंका रहमा इन्नका अंतल वहाब, ए अल्लाह जबकि तुमने हमें हिदायत नसीब अता फरमा दी है, अब इसके बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना फरमाना, अब इसके बाद हमसे हिदायत को ना छीनना। या अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, ए अल्लाह इस कुरान का नूर हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी नसीब अता फरमा, और जब पुल सिरात पर हम चल रहे हों तो हमारे नूर हमारे लिए कामिल फरमा देना। ए अल्लाह तू फरमाता है कि कुछ लोगों के नूर उनके अंगूठों के बराबर होंगे और कुछ लोगों के नूर इतने कम होंगे कि वो अपने लिए भी रास्ते नहीं तलाश कर सकेंगे, और कुछ लोगों के नूर इतने बुलंद और तवील होंगे कि उसके जरिए से दूसरे भी रास्ते पार कर जाएंगे। ए अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा देना कि हमारे नूरों से दूसरे भी पुल सिरात का रास्ता पार करके जन्नतुल फिरदौस में हमें आला मकाम नसीब अता फरमाना।
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، إلا جهنم کی آگ سے بچاتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب عطا فرما، یا اللہ یہی فوز العظیم ہے، یہی بڑی کامیابی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری بڑی کامیابی کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرما دینا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اے اللہ ہم سے کوئی لغزش ہے، کوئی خطائے ہوئی ہو، یا اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ جو ہم نے خیر خواہی کی ہو یا اب تک نہیں کی ہو تو یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں خیر خواہوں میں شامل عطا فرما، اے اللہ ہمیں صالحین میں شامل عطا فرما، اے اللہ ہمیں لوگوں کا خیر خواہ بنا دے، اے اللہ ہمیں فرشتوں کے اعلیٰ مجلس میں ہماری روحوں کی شمولیت فرما دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألوک من فضلک العظیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره، امين يا رب العالمين، جزاكم الله شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.